हेलो, आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? एक बार हाँ ना में जवाब दे दें। चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सभी को क्लियर आ रही है। तो गुड मॉर्निंग सभी को, जितने भी हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स और इंजीनियर हैं, आप सभी को नमस्कार। मैं आशीष शाह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो अपना अगला जो लेक्चर है वो क्या है? लेक्चर 3 IUPAC नॉमन क्लेचर। क्या है? लेक्चर 3 IUPAC नॉमन क्लेचर। तो जैसा कि हम लोग लेक्चर 2 तक में पढ़ चुके थे कि IUPAC में किस तरह से रेडिकल सब्स्टिटूएंट और भी चीज़ों के बारे में जानकारियां हमने बता दी थी, वहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ एमाइन, ये सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था। फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था होमोलॉगस सीरीज। क्या डिस्कस किया था? होमोलॉगस सीरीज, जिसके हमने 3 से 4 बेसिक कैरेक्टर्स बताए थे या 3 से 4 बेसिक प्रॉपर्टीज बताई थी। अब उसी के बारे में आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम को देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो देखना, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है अपना, इसको आप मत लिखना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जो हमारा फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज है वो कौन है? एल्केन। कौन है बेटा? एल्केन। तो हमारा फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज है एल्केन। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। तो हमारा जो फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज है, क्या फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज, वो कौन है? एल्केन। तो एल्केन के एग्जाम्पल्स को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो देखना, अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो इसका फर्स्ट मेंबर है वो क्या होगा? CH4। क्या होगा बेटा? CH4। इसका नाम क्या होगा? मेथेन। क्या होगा? मेथेन। तो इसका नाम होगा मेथेन। अगर इसमें हम लोग क्या ऐड कर दें? CH2। क्या ऐड कर दें? CH2। तो अगला क्या बनेगा? अगला बनेगा C2H6। क्या बनेगा? C2H6। इसको हम लोग बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं? एथेन। अगला अगर हम लोग इसमें फिर से क्या ऐड कर दें? प्लस CH2। क्या ऐड कर दें? CH2। तो अगला क्या बन जाएगा? C3H8। C3H8। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। क्या होगा? प्रोपेन। अगले में फिर से हम लोग क्या ऐड कर दें? प्लस का CH2। तो अगले में प्लस का CH2, तो क्या हो जाएगा? C4H10। C4H10। इसका नाम क्या होगा भाई? इसका नाम होगा ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन। यहाँ तक की बात क्लियर? तो हमने होमोलॉगस सीरीज में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो होमोलॉगस सीरीज होते हैं उनके उनके जो फर्स्ट और सेकेंड मेंबर होते हैं, या कि फिर दो होमोलॉगस मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। तो देखो, इसके और इसके बीच में किसका डिफरेंस है? CH2 का। और हमने बताया था कि इनके बीच में मॉलिक्यूलर वेट 14 या 14 का अंतर होता है। तो सिंपल सी बात है, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो दो हाइड्रोजन है तो 2 का कितना हो जाएगा? 2। तो 12 + 2 कितना हो जाएगा? 14। तो यहाँ पे देखोगे मेथेन और एथेन के बीच में कितने मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस होगा? 14। क्योंकि यहाँ पे ऐड क्या कर रहे हैं हम लोग? CH2। तो मॉलिक्यूलर वेट MW, मॉलिक्यूलर वेट MW कितना होगा? 14। यानी कि मेथेन का आप मॉलिक्यूलर वेट निकालो, एथेन का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, दोनों का निकाल करके उनमें डिफरेंस कर लो, तो आपका डिफरेंस कितना आएगा? 14 का आएगा। मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कर सकते हो। तो देखना, इधर कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई? 12 है। कितना होता है? 12 है। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? कितना होगा? 12 है। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 12 है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 12 है। उसके बाद हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1। कितने हैं हाइड्रोजन? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 और 4 कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा? 16। उसी तरह अगर एथेन की बात करें तो एथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? तो एथेन का मॉलिक्यूलर वेट देखो निकाल लेते हैं। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। कितने कार्बन है? 2। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1। कितने होते हैं? 6। तो ये हो गया। तो 12 का 2 से मल्टीप्लाई, 12 2 = 24, या 12 2 = 24, और 6 उसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 28। कितना आ जाएगा? 28। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया हमारे पास? 28 या 28। अब आप देखोगे तो मेथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया है? 16, और एथेन का कितना आया है? 28। तो
यहाँ से अगर यहाँ से आप इसको सॉल्व करें तो देखना, हमने क्या बोला 28, हमने क्या बोला, सॉरी थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 28 नहीं, यहाँ पे क्या होगा 30, क्या होगा 30, कितना होगा भाई 30, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 30, कितना होगा 30 भाई, 12 जा 24, 24 प्लस 6 30। तो अब देखना हमने क्या बोला, इनमें डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो देखना 30 हम क्या बोल रहे हैं, 30 माइनस 16 कितना आएगा 14। तो हमने यही तो बोला कि इन दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर वेट का कितना डिफरेंस होगा 14, क्यों, क्योंकि इसमें डिफरेंस कितना है ओनली CH2। उसी तरह एथेन और प्रोपेन में निकालोगे तो फिर से मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस कितना आएगा 14, कितना आएगा 14। तो हमने आप लोगों को बताया था, हमने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि जनरली जो होमोलॉगस मेंबर होते हैं उनके बीच में मॉलिक्यूलर वेट 14 का डिफरेंस होता है, कितना मॉलिक्यूलर वेट 14 का डिफरेंस होता है। तो जैसे मेथेन और इथेन के बीच में मॉलिक्यूलर वेट 14 या CH2 का डिफरेंस होगा, उसी तरह अगर एथेन और प्रोपेन को देखें तो एथेन और प्रोपेन में भी CH2 या मॉलिक्यूलर वेट 14 का डिफरेंस होगा, उसी तरह प्रोपेन और ब्यूटेन में मॉलिक्यूलर वेट 14 या CH2 का डिफरेंस होगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि कंटिन्यूअस मेंबर के बीच में देखना, ऐसा नहीं कि आप मेथेन का कंपैरिजन कर लो प्रोपेन से, या मेथेन का कंपैरिजन कर लो ब्यूटेन से, या एथेन का कर लो ब्यूटेन से, नहीं ऐसा नहीं करना है। कंटिन्यूअस मेथेन के बाद क्या आएगा एथेन, एथेन के बाद प्रोपेन, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन, क्या आएगा मेथेन के बाद एथेन, एथेन के बाद प्रोपेन, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन। तो कंटिन्यूअस करना है, यानी कि या तो एथेन का आप मेथेन से कर लो या एथेन का आप प्रोपेन से कर लो, ये नहीं कि एथेन का सीधे ब्यूटेन से कर दोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो CH2 का डिफरेंस आ जाएगा ना। तो हमने क्या बोला कि दो कंटिन्यूअस होमोलॉगस सीरीज मेंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस होता है 14, कितना डिफरेंस होता है 14। अब आप देखोगे तो जो मेथेन है ये हमारा जो मेथेन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे फर्स्ट मेंबर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट मेंबर। तो ये इसका क्या होगा एथेन, एथेन होगा इसका सेकेंड मेंबर। प्रोपेन क्या होगा, प्रोपेन होगा इसका थर्ड मेंबर, प्रोपेन इसका क्या होगा थर्ड मेंबर। ब्यूटेन क्या होगा इसका फोर्थ मेंबर। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि एल्केन होमोलॉगस सीरीज का फोर्थ मेंबर क्या होगा, तो उसमें टोटल कार्बन कितने होंगे चार, कितने होंगे चार, फार्मूला हमने बता दिया है CnH2n+2 से आप निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो कि इसके फिफ्थ मेंबर में कितने कार्बन होंगे और कितने हाइड्रोजन होंगे, उसका फार्मूला जनरल फार्मूला जो होता है वो क्या आएगा। और हमने इसका जनरल फार्मूला लिख दिया है क्या, एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है CnH2n+2। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है, अरे यस या नो, अरे यस या नो बोलो, हाँ या ना, सभी को क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, दूसरा जो हमारा मेंबर है वो कौन है एल्किन, या उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं साइक्लो एल्किन। ध्यान रखना हमने यहाँ पे क्या बोला है, हमने बोला है यहाँ पे साइक्लो एल्केन। सिर्फ एल्केन नहीं, हमने क्या बोला है साइक्लो एल्केन। तो साइक्लो एल्केन होगा या एल्किन होगा, तो एल्किन का जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n, क्या होता है CnH2n, यानी जितना कार्बन होगा उसका डबल नंबर में क्या होगा हाइड्रोजन। भाई सिंपल सा देखो ना, फार्मूला क्या लिखा है CnH2n, यानी कि जितना कार्बन का नंबर होगा उसका डबल क्या होगा हाइड्रोजन। तो जितना कार्बन उसका डबल क्या होगा हाइड्रोजन। तो देखना अगर हम लोग एल्केन को लेके चलते हैं, एल्किन को लेके चलते हैं, तो इसका फर्स्ट मेंबर, इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके फर्स्ट मेंबर की अगर बात करें तो इसका फर्स्ट मेंबर नहीं हो सकता ना, क्योंकि एल्कीन है तो डबल बॉन्ड हमें चाहिए, तो अकेले कार्बन में डबल बॉन्ड कैसे करेंगे, तो हमें एटलीस्ट दो कार्बन चाहिए। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एल्कीन होमोलॉगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर में दो कार्बन होते हैं, कितने फर्स्ट मेंबर में दो कार्बन। तो इसके सेकेंड मेंबर में कितने कार्बन होंगे तीन, तो इसके फोर्थ मेंबर में पांच, यानी जितना मेंबर आपको बोलेगा उस मेंबर की अगर आप लोग बात करोगे तो उसमें एक कार्बन इंक्रीज करके बताना है। जैसे अगर तुमसे बोलता है कि एल्किन होमोलॉगस सीरीज का सेवंथ मेंबर में कितने कार्बन होंगे, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कार्बन इन एल्किन होमोलॉगस सीरीज ऑफ सेवंथ, तो अगर ऐसा पूछता है तो जितना पूछा आपसे क्या पूछा है सेवंथ मेंबर, तो उसमें कार्बन कितने होंगे एट, एक इंक्रीज करके आपको बताना है कितना एट।
अगर आपसे बोलता है फिफ्थ मेंबर में कितने होंगे, तो कार्बन कितने हो जाएंगे भाई, सिक्स। क्यों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट मेंबर है उसमें एक नहीं बल्कि दो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो भी मेंबर आपसे पूछेगा उसमें एक कार्बन इंक्लूड करके बताना है। अगर थर्ड बोलता है तो कार्बन चार होंगे, अगर सेवन्थ बोलता है तो कार्बन एट होंगे, अगर टेंथ बोलता है तो कार्बन इलेवन होंगे। तो चलिए इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा एथीन। क्या नाम होगा? एथीन। अब इसमें हम क्या ऐड कर दें, एक सी एच टू, क्योंकि हमने बताया था होमोलॉगस सीरीज का जो मेंबर होते हैं उनमें सी एच टू या मॉलिक्यूलर वेट 14 का डिफरेंस होता है, तो वही हम लोग कर रहे हैं। इसमें सी एच टू ऐड कर दो तो क्या ये इस तरह से बन जाएगा, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोपीन। क्या नाम होगा? प्रोपीन। अगर इसमें फिर से एक सी एच टू ऐड कर दो, फिर से एक सी एच टू ऐड कर दो, फिर से एक सी एच टू ऐड कर दो, तो अब क्या बन जाएगा, ये सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। तो अब इसका नाम क्या होगा? ब्यूटीन। क्या नाम होगा? ब्यूटीन। तो देखो हमने क्या बोला, ये इसका क्या हो गया फर्स्ट मेंबर, ये इसका क्या हो गया फर्स्ट मेंबर, ये इसका फर्स्ट मेंबर, कितने कार्बन है? दो। तो इसके सेकेंड मेंबर में कितने कार्बन है? इसके सेकेंड मेंबर में कितने कार्बन है? तीन। तो इसके थर्ड मेंबर में कितने कार्बन होंगे? चार। तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि इसका जो भी मेंबर आपसे पूछेगा, आप एक एक्स्ट्रा कार्बन बताओगे। अगर थर्ड मेंबर पूछता है तो कार्बन चार होंगे। ये देखो एग्जांपल, ये इसका थर्ड मेंबर है क्या, इसमें कार्बन 1 2 3 4। तो हमने क्या बताया कि जितना कार्बन होगा उसका डबल क्या होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन। ये है कौन? एल्कीन। अब जो साइक्लो एल्केन है, साइक्लो एल्केन भी क्या होगा, होमोलॉगस सीरीज ही होता है एल्कीन का। तो अब देखना, टू कार्बन का तो रिंग हम लोग बना नहीं सकते क्योंकि टू कार्बन का रिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्री कार्बन का रिंग बना सकते हैं। तो अगर इसी को हम लोग रिंग में कन्वर्ट कर दे, तो ये देखो ये हमारा क्या हो गया, रिंग। ये क्या हो गया? रिंग। तो इसको अब क्या बोलोगे, इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम होगा? साइक्लोप्रोपेन। प्रोपीन नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, प्रोपीन नहीं बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे, क्योंकि एल्केन आ जाएगा अब। क्यों? क्योंकि अब इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड कहाँ चला गया? तो डबल बॉन्ड जो होता है, जनरली जो डबल बॉन्ड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रिंग में। यानी कि एक पाई बॉन्ड इक्वल एक रिंग होता है, ये आप ध्यान रखना, एक पाई बॉन्ड इक्वल एक रिंग होता है, इसलिए अब ये क्या हो गया, एल्केन। उसी तरह अगर फोर मेंबर के रिंग की बात करें तो फोर मेंबर जो रिंग होगी वो क्या होगी, कुछ इस टाइप से होगी। ये लो, ये फोर मेंबर रिंग, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेन। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? फार्मूला दोनों का सेम होगा भाई, फार्मूला दोनों का सेम होगा, बस डिफरेंस क्या होगा कि जो साइक्लो एल्केन बनाओगे उसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन जो एल्कीन बनाओगे उसमें डबल बॉन्ड होगा, उसमें डबल बॉन्ड होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जो साइक्लो एल्केन होता है उसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, साइक्लो एल्केन में नहीं बल्कि साइक्लो एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा। और हमने पहले ही बताया था कि जो भी मेंबर पूछेगा उसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा बताना, चाहे साइक्लो एल्केन बोले या एल्कीन बोले। जैसे साइक्लोप्रोपीन की बात करें तो साइक्लोप्रोपीन में थोड़ा सा अलग कहानी होगी। साइक्लोप्रोपीन ये इसका क्या है, फर्स्ट मेंबर। ये क्या है इसका, फर्स्ट मेंबर। ये इसका क्या है, सेकेंड मेंबर। ये इसका क्या है, सेकेंड मेंबर। तो इसमें देखोगे तो उल्टा कहानी चल रही है, फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन है, तीन कार्बन, सेकेंड मेंबर में कितने कार्बन है, चार कार्बन। यानी कि अगर साइक्लो एल्केन के बारे में पूछ ले आपसे तो इसमें दो कार्बन एक्स्ट्रा बताना है, फर्स्ट मेंबर में तीन कार्बन, सेकेंड मेंबर में चार कार्बन। तो सोचो इसका जो सिक्स मेंबर होगा उसमें कितने कार्बन होंगे, एट कार्बन। कितने कार्बन होंगे, एट कार्बन। अगर आपसे बोलता है कि इसका फोर्थ मेंबर, तो इसके फोर्थ मेंबर में कितने कार्बन होंगे, सिक्स कार्बन होंगे, क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर स्टार्ट हो रहा है तीन कार्बन से। इसका फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तीन कार्बन से। तो एल्कीन में एक एक्स्ट्रा कार्बन बताना है, साइक्लो एल्केन में दो एक्स्ट्रा कार्बन बताना है। जैसे हमने क्या बोला, एथेन, इसका फर्स्ट मेंबर ही दो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड मेंबर में तीन कार्बन, थर्ड मेंबर में चार कार्बन। तो एल्कीन अगर पूछता है तो आपको क्या बताना है कि जो भी इसका अगला मेंबर है उसमें एक एक्स्ट्रा कार्बन ऐड कर लो। जैसे अगर आपसे पूछता है कि जैसे इसका फिफ्थ मेंबर है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, तो फिफ्थ मेंबर है
तो एल्किन के बारे में पूछेगा तो कार्बन होंगे छः, और अगर साइक्लो एल्केन के बारे में पूछेगा तो फिफ्थ मेंबर में कितने होंगे, सात कार्बन, कितने होंगे सात कार्बन। तो एल्किन में एक कार्बन एक्स्ट्रा बताना है, साइक्लो एल्केन में दो कार्बन एक्स्ट्रा बताना है। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, यस या नो, अरे बोलो हाँ या ना, सभी को क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? चलो जल्दी से नोट कर ले, या फोटो खींचना है या स्क्रीनशॉट करना है तो जल्दी से करो, आगे फिर चलते हैं जल्दी। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, चलो भाई अगला हमारे पास आ गया क्या, थर्ड जो हमारा होमोलॉगस सीरीज है वो कौन है, अल्कोहल एंड ईथर। तो अल्कोहल और ईथर इन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो देखो दोनों का जनरल फार्मूला क्या होता है, सेम, जैसे एल्किन और साइक्लो एल्केन का फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या था, सेम, क्या, CnH2n, यानी जितना कार्बन है उसका डबल क्या होगा, हाइड्रोजन। उसी तरह अल्कोहल और ईथर दोनों का जनरल फार्मूला क्या होगा, सेम, दोनों का जनरल फार्मूला क्या होगा, सेम, दोनों का जनरल फार्मूला क्या होगा, सेम। तो चलो देखते हैं, हमने यहाँ पे उसका जनरल फार्मूला लिखा है क्या, CnH2n+2 और O। तो आप देखोगे CnH2n+2 ये किसका फार्मूला होता है, एल्केन का, उसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया हमने, ऑक्सीजन, हमने एक्स्ट्रा इसमें क्या ऐड कर दिया, ऑक्सीजन। लास्ट में जैसे ही हम लोग पूरा होमोलॉगस सीरीज पढ़ लेंगे, आपको मैं एक निंजा टेक्निक बताऊंगा कि किसी भी होमोलॉगस सीरीज के मेंबर का या कि फिर किसी भी होमोलॉगस सीरीज का जनरल फार्मूला कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी तो हमने एक दो बताया, अभी ऐसे 10 12 15 आएंगे तो सभी का फार्मूला तो याद करना पॉसिबल नहीं है, और हम याद करने थोड़ी आए हैं यार, हम तो चीज़ों को आसान ट्रिकी बनाने आए हैं ताकि जल्दी से एक मिनट के अंदर हमारा क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि हमारे एग्जाम में टाइम इतना नहीं होता है, हमें एक मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो अगर हम लोग इतना रटेंगे तो कन्फ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि सभी के फार्मूले एक जैसे ही हैं, सिमिलर हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस है। तो लास्ट में, इसी लेक्चर के लास्ट में, मैं आपको सभी का जनरल फार्मूला निकालने का ट्रिक बता दूंगा कि कैसे जनरल फार्मूला निकालते हैं। तो किसी का जनरल फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल तीन का आप जनरल फार्मूला याद रख सकते हो, एल्केन, एल्किन और एल्काइन का, बाकी किसी का जनरल फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी बात आप लोग ध्यान से याद रखना, मैं सभी का ट्रिक बता दूंगा, अभी बस जो है उसको आपको बता दे रहे हैं। लास्ट में, इसी लेक्चर के लास्ट में, मैं सभी का जनरल फार्मूला निकालने का आपको एक बेहतरीन शानदार टेक्निक बता के जाऊंगा, और आप किसी भी, चाहे एल्डिहाइड हो, एल्कोहल हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या एल्कोहल हो, ईथर हो, साइनाइड हो, आइसोसाइनाइड हो, कोई भी हो, सभी का आप जनरल फार्मूला खुद बना लोगे, मैं ऐसा आपको ट्रिक बता के जाऊंगा। चलो, तो अपना है एल्कोहल एंड ईथर, जनरल फार्मूला है CnH2n+2। तो एल्कोहल को देखो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, और ईथर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर एल्कोहल की पहले बात कर लें, किसकी, एल्कोहल की, तो एल्कोहल की अगर हम लोग पहले बात कर लें, तो जो हमारा एल्कोहल है, इसका जो फर्स्ट मेंबर है ये क्या होगा, CH3OH, क्या होगा, CH3OH, इसमें क्या ऐड कर दो, प्लस का CH2, क्या ऐड कर दो, प्लस का CH2, तो ये क्या बन जाएगा, C2H5OH, क्या बन जाएगा, C2H5OH, फिर इसमें क्या ऐड कर दो, प्लस का CH2, क्या ऐड कर दो, प्लस का CH2, क्या ऐड करना है, प्लस का CH2, तो अगला क्या आ जाएगा, C3, अगला आ जाएगा C3H7OH, क्या आ जाएगा, C3H7OH, फिर अगला इसमें क्या ऐड कर दो, प्लस का CH2, तो फिर से क्या आ जाएगा, C4H9OH, ऐसे ही आप CH2 जोड़ते जाओ तो उसका आ जाएगा। लेकिन डायरेक्टली अगर पूछे तो फार्मूले से निकाल सकते हो, हमने पहले फिर से बता दिया कि फार्मूला हमें याद नहीं करना है, मैं फार्मूले को लास्ट में टेक्निक बताऊंगा कैसे फार्मूला निकालते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दे किसके सेवंथ मेंबर का फार्मूला क्या होगा, तो आपके पास पहला तरीका क्या है कि इसमें सेवंथ बोला है तो एन की वैल्यू क्या पुट कर दो, सेवन, तो फार्मूला हमारा निकल के आ जाएगा कि सेवंथ मेंबर में इसका फार्मूला क्या होगा। जैसे इसको देखोगे तो फोर्थ मेंबर का फार्मूला क्या है, C4H9OH, तो सेवंथ मेंबर का फार्मूला क्या होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे
इस टेक्निक से निकालोगे। हालांकि फार्मूला हमने बताया, फार्मूले में एन की वैल्यू रखो, सेवंथ बोलता है तो सेवन रखो, सिक्स बोलता है तो सिक्स रखो, फिफ्थ मेंबर बोलता है तो फिफ्थ रख दो। लेकिन मैं फिर से तुम्हें बोल रहा हूँ कि फार्मूला तुम्हें याद नहीं रखना है, फार्मूला तुम्हें याद नहीं रखना है। मैं लास्ट में तुम्हें टेक्निक बताऊंगा और उस टेक्निक से तुम सारे क्वेश्चन करके जाओगे, ये मेरा वादा है तुमसे। चलो, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया फर्स्ट मेंबर, ये इसका फर्स्ट, ये इसका सेकेंड मेंबर, ये इसका सेकेंड, उसी तरह ये इसका क्या होगा थर्ड मेंबर, और ये इसका होगा फोर्थ मेंबर। अगर ईथर की बात कर लें, किसकी, ईथर की, तो ईथर में देखो जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या होगा CH3O CH3, क्या होगा CH3O CH3। अब इसमें क्या ऐड कर लो भाई, प्लस का CH2 ऐड कर दो, प्लस का CH2 ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा CH3CH2O CH3। तो ये इसका सेकेंड मेंबर हो गया। फिर इसमें क्या ऐड कर दो, प्लस का CH2, प्लस का CH2, तो क्या आ जाएगा CH3CH2CH2 और OCH3। अब देखो, चाहो तो इस CH2 को तुम लोग इस साइड भी ऐड कर सकते हो, चाहो तो इस CH2 को इस साइड भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि दोनों का नाम अलग अलग होगा। हमने क्या बोला, ये जो हमने लास्ट में फार्मूला लिखा है, इसमें अगर इस CH2 को इस साइड पे जोड़ दो, मतलब दोनों साइड कार्बन इक्वल कर दो, दो कार्बन ऑक्सीजन के लेफ्ट में, दो कार्बन ऑक्सीजन के राइट में अगर ऐड कर दो, तो वो भी इसका ही मेंबर है, बट नाम अलग होगा, नाम इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो करने के लिए आप कर सकते हो, जो CH2 हमने ऐड किया है इस कार्बन के साइड जोड़ लो, तो दोनों साइड दो दो कार्बन हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, डाई एथिल ईथर, क्योंकि दोनों साइड क्या है C2H5 एथिल है, तो उसका नाम क्या होगा, डाई एथिल ईथर, उसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। लेकिन ये डाई एथिल ईथर नहीं है, ध्यान रखना, ये क्या है फिर, ये है मेथिल प्रोपिल ईथर, ये क्या है मेथिल प्रोपिल ईथर, ये क्या है मेथिल प्रोपिल ईथर। तो जो हम लोग IUPAC और कॉमन नेम या डेरिवेटिव नेम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इन सभी का हम लोग नाम देखेंगे। जैसे CH3OH को बोलते हैं मेथिल एल्कोहल, तो इसका क्या नाम है, कॉमन नेम है, या कि फिर इसका क्या नाम है C2H5OH को क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल, तो वो कॉमन नेम वगैरह की चीज़ें हैं। तो जब हम लोग आगे IUPAC नेम, कॉमन नेम, डेरिवेटिव नेम देखेंगे, तो वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे कि इनका क्या नाम है। अभी मैं बस जस्ट इन्फॉर्मेशन तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर दोनों साइड C2H5 कर दो, तो इसका नाम हो जाएगा डाईएथिल ईथर। जैसे इसका देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा, दोनों साइड क्या है मेथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईमेथिल ईथर, क्या हो जाएगा, डाईमेथिल ईथर। इसका देखोगे तो एक तरफ एथिल है, एक तरफ मेथिल है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। अब बोलोगे सर, आप एक जगह मेथिल प्रोपिल ईथर बोल रहे हो, एक जगह एथिल मेथिल बोल रहे हो, कैसे? तो देखो, अल्फाबेट में एथिल और मेथिल में जो पहले आएगा उसी के बिहाफ पर हम नाम बताएंगे। जैसे एथिल में ई पहले आ रहा है, मेथिल में एम बाद में आएगा। भाई ABCD आप पढ़े होगे, तो ABCD में ई पहले आता है, तो एथिल पहले आएगा, तो उसका नाम पहले बोलेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल ईथर। उसी तरह इसको आप पढ़ोगे तो अल्फाबेट में M जो है पहले आता है और P बाद में आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोपिल ईथर। तो ये कॉमन नेम की चीज़ें हैं, जब कॉमन नेम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे इसके बारे में, ज़्यादा सोचने या ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। बस आप धैर्य बनाए रखें और इस तरह से पढ़ते रहें। कोई डाउट होता है तो आप मैसेज या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि सर इस टॉपिक में दिक्कत है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। चलिए, यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है। आगे अगला है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन। अगला हमारा होमोलॉगस सीरीज कौन है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो देखो, फार्मूला CnH2n+O, और इसमें एल्डिहाइड ये है और कीटोन ये है। तो देखना, अगर एल्डिहाइड और कीटोन की बात हो रही है, तो एल्डिहाइड और कीटोन, तो देखना एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड की बात करें, तो जो फर्स्ट एल्डिहाइड है वो क्या होगा, HCHO, क्या होगा HCHO, या इसी को दूसरे तरीके से लिखता है वो CH2O। दोनों एक ही चीज़ है भाई, दोनों एक ही चीज़ है, आप परेशान मत होना। HCHO को CH2O भी लिखा जा सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखना, तो ये इसका क्या हो गया, फर्स्ट मेंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, या इसी को बोलते हैं मेथेनल। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनल। आप बिल्कुल परेशान मत हो, ये मैं कॉमन नेम या IUPAC नेम बता रहा हूँ, अभी सीखेंगे, आप परेशान मत हो कि इनका नाम क्या होगा, कैसे बता रहे हैं सर।
अभी सीखेंगे तो आपको सारा नाम क्लियरली आ जाएगा कि कैसे सर ये सारा चीज बता रहे हैं। तो देखना अब इसमें हम लोग क्या कर दें, CH2 को ऐड कर दें, तो अब अगला जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CHO, फिर इसमें क्या ऐड कर दो प्लस का, CH2, तो क्या आ जाएगा, CH3CH2CHO। तो ये इस तरह से आगे इसके कंटिन्यूअस मेंबर बनते जाएंगे। उसी तरह अगर ईथर की बात कर लें, सॉरी कीटोन की बात कर लें, तो अगर कीटोन की बात कर रहे हैं तो कीटोन में अब क्या होगा, कीटोन का देखना फार्मूला, CH3C(OCH3), ये कीटोन है, इसका ये फर्स्ट मेंबर है। तो इसके फर्स्ट मेंबर में देखोगे आप तीन कार्बन है, कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, तो इसके फर्स्ट मेंबर में तीन कार्बन है, तो इसके सेकेंड मेंबर में कितने कार्बन होंगे भाई, इसके सेकेंड मेंबर में ऑब्वियस सी बात है कि चार कार्बन होगा ही होगा। तो ये हो गया CH3CH2C(OCH3), तो कीटोन के फर्स्ट मेंबर में तीन कार्बन, सेकेंड मेंबर में चार कार्बन, जबकि एल्डिहाइड में फर्स्ट मेंबर में एक कार्बन, सेकेंड मेंबर में दो, थर्ड में तीन, तो फोर्थ में कितना होगा, फोर होगा। तो एल्डिहाइड में जो मेंबर बोलेगा उतने ही कार्बन होंगे, लेकिन कीटोन में जो मेंबर बोलेगा उसमें दो कार्बन एक्स्ट्रा बताना है। तो इसके फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन, तीन, सेकेंड में कितने, चार, तो सोचो अगर सेवंथ मेंबर हमसे पूछ दे तो कितने कार्बन होंगे, नौ, कितने होंगे, नौ। क्लियर है क्या ये बात, सभी को क्लियर है, चलो तो आगे देखना। अगला जो है हमारा वो है एसिड और एस्टर। तो जो एसिड और एस्टर होते हैं ये भी आपस में होमोलॉगस सीरीज हैं, ये भी होमोलॉगस सीरीज माने जाते हैं। तो एसिड और एस्टर की अगर हम लोग बात करें, अगर एसिड और एस्टर की बात करें तो एसिड और एस्टर दोनों ही क्या होते हैं, होमोलॉगस सीरीज। तो आपको पता है कि अगर होमोलॉगस सीरीज है तो इनका जनरल फार्मूला भी सेम होगा। क्या होता है जनरल फार्मूला, ये देखो CnH2nO2, क्या होता है CnH2nO2। अब दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, लेकिन होते तो दोनों होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं। तो देखना ये कौन है, एसिड कैसे रिप्रेजेंट होगा, COOH, और एस्टर वो क्या होता है, COO और इसके साथ R जोड़ दो, R को हम लोग जनरली एल्किल बोलते हैं, वो एल्किल मेथिल एथिल कुछ भी हो सकता है। तो देखना अगर हम लोग एसिड की बात कर लें, किसकी, एसिड की, तो जो फर्स्ट मेंबर होगा वो क्या होगा, HCOOH। अब इसमें क्या जोड़ दो भाई, प्लस का CH2, क्या जोड़ दो, प्लस का CH2, तो क्या बन जाएगा, CH3COOH। अब इसमें फिर से क्या जोड़ दो, प्लस का CH2, प्लस का CH2, तो क्या बनेगा, CH3CH2COOH। फिर इसमें क्या जोड़ दो, प्लस का CH2, क्या जोड़ दो, प्लस का CH2, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2COOH। तो देखोगे इसके फर्स्ट मेंबर में तो कितने कार्बन है, इसके फर्स्ट मेंबर में एक कार्बन है, कितना है, एक, सेकेंड मेंबर में कितने कार्बन है, दो, इसके थर्ड मेंबर में कितने कार्बन है, तीन, इसके फोर्थ मेंबर में कितने कार्बन है, चार। तो एसिड में भी सेम कहानी क्या, कि फर्स्ट मेंबर में एक, सेकेंड में दो, थर्ड में तीन और फोर्थ में चार कार्बन होंगे। तो अगर सोचो इसका अगर हमें नाइन्थ मेंबर पूछ दे तो उसमें कार्बन कितने होंगे, नौ होंगे। तो अब एस्टर को देखते हैं तो एस्टर में थोड़ा सा उल्टा कहानी होगा। तो देखना एस्टर में अगर बात करें तो ये HCOOR, इसको जनरली एल्किल बोलते हैं, तो ये है एस्टर। अब अगर इसको R को हटा दो मान लो, तो मैं इसके जगह क्या ऐसा लिख सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ HC(OOCH3), ये लो ये है एस्टर। एक्चुअल में R को हटा करके हमें क्या लिख दिया, मेथिल, तो ये है एस्टर। इसमें कितने कार्बन है बताओ यार, इसमें कितने कार्बन है, दो कार्बन है ना। तो अगला अगर हमें मेंबर बनाना हो, अगर हमें अगला मेंबर बनाना हो तो क्या कर दें, उसमें CH2 ऐड कर दें, क्या कर दें, CH2 ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, CH3C(OOC) और इधर पर CH3। तो अब इसके सेकेंड मेंबर में कितने कार्बन हो गए, तीन, कितने हो गए, तीन, फर्स्ट में दो। अगर हमसे अगला फिर से मेंबर पूछ ले तो क्या कर दे, उसमें फिर से CH2 ऐड कर दो, तो चाहे CH2 को इस साइड या इस साइड किधर भी ऐड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो CH3CH2C(OOCH)ऑक्सीजन और इधर पर CH3। तो ये इसका हो गया थर्ड मेंबर। तो देखो फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन है, दो, सेकेंड मेंबर में कितने हैं, तीन, थर्ड मेंबर में कितने हैं, चार। तो अब इसका क्या होगा, अगर इसका कोई भी मेंबर पूछता है तो उसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा बताना है, यानी कि अगर इसका फिफ्थ मेंबर पूछता है तो कार्बन कितने होंगे, सिक्स, कितने होंगे, सिक्स।
लेकिन एसिड में सिक्स मेंबर पूछेगा तो कार्बन कितने होंगे, सिक्स ही होंगे। ये सभी को क्लियर है बात? अरे यस या नो? हाँ बोलो, कोई डाउट? अरे भाई आप उसके चक्कर में मत पड़िए यार, मैं आपको बहुत दिन से देख रहा हूँ, शैतानियाँ कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है यार। लड़की का चक्कर बाबू भाई बहुत बेकार होता है, लड़की किसी का सगा नहीं होती है, ये मेरी बात ध्यान रखना। लड़कियों का क्या है यार, लड़की तो अपना रोना भी दूसरों को ही सुनाती है, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। अरे ये लाइन सुना है कि नहीं सुना है? तो चलो हाँ बिल्कुल, लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना है भाई, अपने को पहले क्या लेना है, सिलेक्शन। बिल्कुल चलो आ जाओ आ जाओ, सभी लोग इसको जल्दी से नोट करें, स्क्रीनशॉट करें, फिर आगे हम लोग चलते हैं। बिल्कुल चलो जल्दी नोट करें सभी लोग, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। चलो भाई आ जाओ, अगला अगला है हमारे पास एमाइन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन, तीनों कौन कौन, 1 डिग्री एमाइन 2 डिग्री एमाइन 3 डिग्री एमाइन। तो आपको बता दें कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन तीनों ही अलग अलग होते हैं। जैसे कि 1 डिग्री एमाइन जो होता है, इसका जनरली फार्मूला, इसके पास क्या होना चाहिए, NH2 होना ही चाहिए। 2 डिग्री एमाइन में NH होना ही चाहिए, 3 डिग्री एमाइन में N होना ही चाहिए। तो तीनों अलग अलग होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तीनों ही क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर 1 डिग्री बोलेगा तो उसमें NH2 अगर तुम्हें मिल रहा है तो वो 1 डिग्री एमाइन होगा, अगर तुम्हें NH मिल रहा है तो वो 2 डिग्री होगा, और अगर सिर्फ N मिल रहा है तो वो 3 डिग्री होगा। तो चलो थोड़ा सा एमाइन के बारे में देखते हैं, हमने क्या बोला, CH3NH2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 डिग्री एमाइन। क्या हो गया, 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन, ये क्या हो गया, 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन। इसका फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन है भाई साहब, एक, कितना, एक, फर्स्ट मेंबर में एक कार्बन। अगर इसका अगला मेंबर देखें तो क्या ऐड कर लो भाई, CH2 ऐड कर लो, क्या ऐड कर लो, CH2, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 NH2, क्या हो जाएगा, NH2। तो अब इसका ये क्या हो गया, सेकेंड मेंबर, ये फिर से क्या है, 1 डिग्री एमाइन, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, NH2, यहाँ भी क्या मिल रहा था, NH2। अगर इसका थर्ड मेंबर हमसे पूछ ले तो फिर से एक CH2 ऐड कर दो, फिर से एक CH2 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 NH2, ये लो। तो ये हो गया इसका थर्ड मेंबर। तो ये सभी क्या है, 1 डिग्री एमाइन, फर्स्ट मेंबर में एक कार्बन, ये इसका कौन सा मेंबर है भाई साहब, फर्स्ट मेंबर, ये इसका सेकेंड मेंबर, ये इसका थर्ड मेंबर। तो फर्स्ट मेंबर में एक कार्बन, सेकेंड मेंबर में दो कार्बन, थर्ड मेंबर में तीन कार्बन। लेकिन आप सभी लोग देखोगे तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन यही है कि सभी में NH2 है, सभी में NH2 है। अगर NH2 नहीं होगा तो मैं 1 डिग्री एमाइन उसको नहीं बोलूंगा, ये ध्यान रखना। चलो दूसरा देखते हैं, 2 डिग्री एमाइन, कौन सा, 2 डिग्री एमाइन। अगर 2 डिग्री एमाइन की बात करें तो 2 डिग्री जो एमाइन होगा, 2 डिग्री जो एमाइन होगा उसमें NH होना चाहिए। तो हम लोग इसको ऐसे बना देते हैं, CH3 NH CH3। तो देखोगे यहाँ पे अब क्या है, NH है, क्या है, NH है। अगर यहाँ पे NH है तो ये हमारा 2 डिग्री होगा, NH है तो 2 डिग्री होगा। तो इसके फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन है भाई साहब, दो, इसके फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन है, दो। अब इसमें इसका सेकेंड मेंबर बनाए तो क्या लिख ले, CH2 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 NH CH3। फिर इसका अगला मेंबर चाहिए तो फिर से क्या ऐड कर दो, प्लस का CH2, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH CH2 CH3। मैंने फिर से बोला था तुम्हें और अभी फिर बता दे रहा हूँ, क्या कि जो अगला मेंबर है, चाहो तो तुम तीनों कार्बन को एक साइड कर दो और एक कार्बन इस साइड, या दोनों साइड इक्वल कार्बन कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, नाम दोनों का अलग अलग होगा, नाम दोनों का अलग अलग होगा। ये दोनों साइड में एथिल है, दोनों साइड में क्या है, एथिल है, तो इसका नाम होगा एन एथिल एथेन। लेकिन अगर एक साइड में तीन कार्बन कर दें, एक साइड में एक कार्बन कर दें, तो इसका नाम हो जाएगा एन मेथिल प्रोपेन, क्या हो जाएगा, एन मेथिल प्रोपेन। तो वो IUPAC नाम में तरीके हैं, मैं आपको सिखाऊंगा, आप उसका टेंशन बिल्कुल मत लो कि इनका नाम क्या होगा, सर कैसे नाम इसका पता करेंगे। तो देखो इसके फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन, दो, सेकेंड मेंबर में कितने होंगे भाई, तीन, थर्ड मेंबर में कितने होंगे, चार। तो इसमें फर्स्ट मेंबर में दो कार्बन,
सेकेंड मेंबर में तीन कार्बन, थर्ड मेंबर में फोर्थ, तो अगर इसका सिक्स मेंबर पूछे तो कार्बन कितने होंगे, सेवन्थ। तो हो गया 2° amine। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ, 3° amine के पास। कहाँ चलते हैं, 3° amine के पास। तो 3° जो amine है, 3° amine है, हमने क्या बोला कि 3° amine में N होना चाहिए, तो 3° amine में N होना चाहिए ही चाहिए। तो ये NCH3, इधर भी NCH3, इधर भी NCH3। तो इसके फर्स्ट मेंबर में मिनिमम 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 कितने कार्बन होंगे, 3। इसके फर्स्ट मेंबर में मिनिमम कितने कार्बन होंगे, 3। यानी कि इसका फर्स्ट मेंबर हमें बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये ध्यान रखना कि 3° amine बनाने के लिए मिनिमम, ये क्वेश्चन एक बार आया था कि 3° कार्बन बनाने के लिए कि मिनिमम कितने कार्बन के रिक्वायर्ड होगा, 3 कार्बन, कितना, 3। अगर इसका सेकेंड मेंबर बनाना हो तो किसी भी साइड CH2 जोड़ लो, तो ये लो हम किसी भी साइड CH2 जोड़ दे रहे हैं, ये लो, ये N इधर पर CH3 और इधर पर CH3, कोई दिक्कत। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड मेंबर। अब इसके सेकेंड मेंबर में कार्बन कितने हैं, 4, कितने हैं, 4। तो इसके सेकेंड मेंबर में कार्बन कितने हो जाएंगे, 4। तो अगर इसका हमसे फिफ्थ मेंबर पूछता है तो कार्बन कितने होंगे, 7। यानी जो भी पूछेगा उसका तो एक्स्ट्रा बताना है, क्योंकि फर्स्ट मेंबर शुरू ही कहाँ से हो रहा है, मिनिमम 3 कार्बन से। इसका फर्स्ट मेंबर 2° amine बनाने वाले के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, मिनिमम हमें 2 कार्बन चाहिए ही चाहिए, और 1° amine बनाने के लिए मिनिमम 1 कार्बन चाहिए ही चाहिए। मिनिमम कार्बन कितने चाहिए, 1 कार्बन चाहिए। 2° amine बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन, 3° amine बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए ही चाहिए। तो लो भाई, तुम्हारा 3° amine भी इस तरह से खत्म हो जाता है। तो जल्दी से सभी लोग नोट करें, और जिसको फोटो या स्क्रीनशॉट लेना है वो ले, और आगे हम लोग फिर से अगला देखते हैं कि क्या है। जल्दी जल्दी करें सभी लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो सभी लोग कर लिए, बोलो सभी लोग कर लिए, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। चलो तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि आगे अब हमें क्या करना है और क्या पढ़ना है। तो अभी तो हमारा चल रहा है होमोलॉगस सीरीज ही, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। चलो भाई, यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, चलो आ जाओ आगे आगे, जल्दी 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 आगे। दिया आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन स्ट्रक्चर, हिंदी में बोला है दी गई संरचना में क्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए। तो मैं आपको दो स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, उस स्ट्रक्चर में आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। नंबर पहला अगर बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो है इस तरह से, जल्दी जल्दी सभी लोग मेरे साथ ही स्ट्रक्चर को डिराइव कर लें, ताकि जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन का आंसर दे दें।
ये पहला स्ट्रक्चर है, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन फंक्शनल ग्रुप हैं, जो जो फंक्शनल ग्रुप हैं उस पर आप सर्कल कर देना, जो जो फंक्शनल ग्रुप होगा उस पर सर्कल कर देना। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ आपको, दूसरा क्वेश्चन चलिए, दो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, इन दोनों क्वेश्चन में आप जल्दी से बता दीजिए कि कौन कौन फंक्शनल ग्रुप है, जो जो फंक्शनल ग्रुप है उस पर सर्कल कर दो और उस फंक्शनल ग्रुप का आप नाम लिखना। जैसे एसिड है तो एसिड लिख दो, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड लिख दो, कीटोन है तो कीटोन लिख दो, एमाइन है तो एमाइन लिख दो, एल्कोहल है तो एल्कोहल, जो भी फंक्शनल ग्रुप का नाम है वो नाम और उसको सर्कल कर देना कि हाँ सर ये फंक्शनल ग्रुप है और इसका नाम ये है। जल्दी से आप लोग बता दो जल्दी से, तो फिर आगे हम लोग चलते हैं। दो क्वेश्चन है, 10 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, जल्दी करो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह। हाँ भाई चलो, गिनती में भूल गया, आ जाओ। चलो सभी लोग कर चुके क्या? आ जाओ। चलो मैं अब आंसर बता दे रहा हूँ, जो लोग कर चुके ठीक है, नहीं कर पाए ध्यान से सभी लोग देखें। देखो भाई सभी लोग ध्यान से, ये देखोगे तो ये तुम्हारा कौन है? कीटोन। ये कौन है भाई? कीटोन। कौन है? कीटोन। ये है कीटोन। इसको देखो, ये देखो, ये कौन है? एस्टर। कौन है? एस्टर। ये है एस्टर। इसको देखो, ये तो ये भी कौन है? एस्टर। कौन है? एस्टर। ये कौन है? एस्टर। सभी को क्लियर हो रहा है? कैसे पता कर रहे हैं? ध्यान से सभी लोग देखो, बाद में नोट करना भाई, पहले मैं बता रहा हूँ, देख लो, नोट बाद में करना। ये चीज़ें आपको लिखी लिखाई मिल जाएंगी या फोटो ले सकते हो, कहीं नहीं जाएगा, लेकिन पहले समझना ज़रूरी है कि क्या बता रहे हैं। अरे समझे कि नहीं भाई? अरे हाँ या ना बोल यार। हाँ बिल्कुल, आ जाओ। चलो अब देखना, ये कौन है? ये है 1° amine। ये कौन है? 1° amine। ये है 1° amine। ये कौन है? ये है एल्कोहल। कौन है? एल्कोहल। ये है एल्कोहल। ये कौन है? ये भी है 1° amine। कौन है? 1° amine। कौन है? 1° amine। ये देखो, ये कौन है? ये है 2° amine। कौन है? 2° amine। 2° amine। 2° amine। ये कौन है? ये देखो, ये है एसिड। ये कौन है? एसिड। ये कौन है? एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको देखो, ये बाबू भाई, ये गड़बड़ है साला, समझ नहीं आ रहा है क्या है ये। ये एस्टर नहीं है भाई साहब, ध्यान रखो, ये एस्टर नहीं है। फिर ये क्या है? ये एनहाइड्राइड है। ये कौन है? एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड है, ध्यान रखना, ये एनहाइड्राइड है, ये एस्टर नहीं है। ये देखो ना यार जनाब, ये देखो एस्टर है। ये देखो दिखा क्या एस्टर, कैसा दिख रहा है? COO। ये क्या COO है क्या? नहीं, ये COO नहीं है, इसमें COOO है, तीन बार O है। तो ये कौन है? एनहाइड्राइड। कौन है? एनहाइड्राइड। इसके बाद इसके पास आ जाओ, ये कौन है भाई साहब? ये है एल्डिहाइड। कौन है? एल्डिहाइड। कौन है? एल्डिहाइड। ये है एस्टर, COO। ये कौन है? एस्टर। कौन है? एस्टर। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर? चलो इस क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखोगे तो आपको फिर से कंफ्यूज किया गया है इस क्वेश्चन में भी। ये देखो, ये कौन है? ये है 1° amine। कौन है? ये है 1° amine। 1° amine। ये कौन है? ये है एल्काइन, या ये है एल्काइन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। ये कौन है? एल्कोहल। डू यू नो एल्कोहल? ये कौन है? एल्कोहल, जिसको दारू बोलते हो आप लोग। हाँ बिल्कुल, अरे देसी दारू नहीं यार, तुम्हारा ध्यान खाली देसी पे ही रह जा रहा है, इतने में खुश है तो देसी में लेकर के एल्कोहल, देसी नहीं भैया,
वो जो तुम लोग 50 रुपए में खुश हो जाते हो, एक क्वार्टर लो रात भर अपना काम बिताओ और खुश, वो वाला क्वार्टर नहीं है भाई। हाँ होता है एल्कोहल का कंटेंट, डजेंट मैटर, बट ये एल्कोहल की हम लोग बात कर रहे हैं, वो तुम्हारे क्वार्टर की बात नहीं कर रहे हैं। कैसी बहकी बहकी और गलत बातें करता है यार। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये ऐसा गलत बात नहीं करते अपन। अरे क्या बोलते हो यार, अरे यस या नो, चलो आ जाओ आगे देखना। ये देखो इसको ध्यान से, ये देखो ये कौन है तुम्हारा, एस्टर। कौन है एस्टर, कौन है भाई एस्टर। तो ये सभी को क्लियर है, जल्दी से सभी लोग नोट कर ले और आगे फिर हम चल रहे हैं। जल्दी पूरा 10 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो ज़्यादा दे दी टाइम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जब सभी लोग आ जाओ। हेलो सभी को दिखाई दे रहा हूँ मैं, हाँ बस बस आ जाओ। चलो देखो अगर कहीं पे एक कार्बन रहता है तो उसको IUPAC के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ। क्या बोलते हैं, मेथ। दो कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं, एथ। जनरली आप सभी को पता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी बताना मेरा धर्म है और मेरा काम है। पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो लोग याद कर लेंगे कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, दो कार्बन को बोलते हैं एथ, तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोप, चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, पांच कार्बन को पेन। ये ध्यान रखना कि ये जो भी बताया गया है ये सब IUPAC के द्वारा है, ये सब IUPAC के द्वारा नाम दिया गया है कि एक कार्बन होगा तो उसका क्या नाम होगा, दो कार्बन है तो क्या नाम होगा, तीन होगा तो क्या, चार होगा तो क्या नाम होगा। अरे हाँ ना बोल भाई, एक कार्बन को मेथ, दो कार्बन को एथ, तीन कार्बन को प्रोप, चार कार्बन को ब्यूट, पांच कार्बन को पेन, एक कार्बन को मेथ, दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेन, छह को हेक्स, सात को हेप्ट, आठ को ऑक्ट, नौ को नोन, दस को टेक, 11 को अंडेक, 12 को डूडेक। हमारे जनरली जितना हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, IUPAC नॉमेनक्लेचर नंबरिंग काउंटिंग जो भी है, वहाँ पे आपको 12 से ज़्यादा कार्बन नहीं मिलेगा। तो हमने 12 तक बता दिया, 12 भी बहुत बड़ी बात हो गई, 12 नहीं आता है, जनरली 8 9 10 तक जाता है, लेकिन हमने हो गया थोड़ा सा तुम्हें एक्स्ट्रा ही बता दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आप सभी लोग याद रखोगे, इसका क्या काम आएगा अभी अगले 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 स्लाइड में, या हो सकता है अगले लेक्चर में मैं बता दूं कि इसका यूज कैसे करना है। अरे हाँ ना बोल भाई, अरे सभी को क्लियर है क्या, सभी को क्लियर है, हाँ पीछे वाला, हाँ भाई तू उसके पीछे मत लग यार, ये गड़बड़ काम कर रहा है, ये दोनों का कुछ लफड़ा है क्या आपस में। अरे हाँ ना बोल भाई, क्या इन दोनों में कुछ गलत चल रहा है क्या, अरे हाँ बोलो कुछ गलत चल रहा है क्या। हाँ क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही तुम लोग भी सोच रहे हो, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही तुम लोग भी सोच रहे हो क्या, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है भाई। मान रहे हैं तुम दोनों भाई बहन हो, इतना भी भाई बहन का प्यार मत निभाओ कि भाई बहन का प्यार ही खत्म ना हो। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, आएगा भी रक्षाबंधन भाई, बांधते ना इसको राखी, ऐसे गड़बड़ मत करो यार, हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ है तुम दोनों के बीच में। बिल्कुल हाँ, तो राखी बांधते हैं इसको, नहीं तो ये कुछ गड़बड़ कर देगा कांड, फिर मत बोलना कि ऑर्गेनिक वाले सर ने ऐसा बताया था। बिल्कुल चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको जल्दी से सभी लोग नोट करें फिर आगे की बात देखते हैं। जल्दी से इसको सभी लोग नोट करें फिर आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी 10 सेकेंड का भी टाइम नहीं मिलेगा भाई, अभी जल्दी करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो आ जाओ मेरे दोस्त, सभी लोग आ जाओ वापस आ जाओ। चलो अगला है हमारे पास IUPAC नेम, हमने बोला है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच, या उसी को बोलते हैं हम लोग रेटिकल या सब्स्टिट्यूएंट। तो जो हमारे साइड ब्रांच होते हैं उनका अभी हम लोग थोड़ा सा नाम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि IUPAC में इनका बहुत यूज होगा। तो मैं पहले चाह रहा हूँ कि आपको छोटे से स्टेप से स्टार्ट करूँ। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको IUPAC कुछ नहीं आती, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको IUPAC कुछ नहीं आती, लेकिन लास्ट लेक्चर जिस दिन मैं खत्म करूंगा IUPAC का, आप देखना आप अपने आप को कहीं और पाओगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के जाऊंगा कि आप भूल नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा के जाऊंगा, याद करवा के जाऊंगा, तरीका बता के जाऊंगा कि आप हमेशा याद रखोगे कि IUPAC कोई पढ़ा के गया था।
लेकिन ध्यान रखना सारे लेक्चर टाइम टू टाइम पर डे डेली देखना और रिवाइज करना, तो ही मैं गारंटी लूंगा। अदरवाइज अब तुम सोचो कि एक हफ्ते में एक दिन सर का लेक्चर ले लूं और सर हमें एकदम एडवांस तक लेवल तक का क्वेश्चन बता दे, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम मेरे सारे लेक्चर देख रहे हो, मेरे सारे चीज को फॉलो करे, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा के चला जाऊंगा कि तुम देखोगे कि ये तो सारे एग्जाम में आए हुए हैं और तुम्हें पता तक नहीं चलेगा कि इतना टफ क्वेश्चन भी सर इतना इजी तरीके से बता करके चले गए। चलो आ जाओ, तो नेम ऑफ साइड ब्रांच या रेडिकल या सब्स्टिट्यूएंट, क्या नेम ऑफ साइड ब्रांच, साइड ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल या सब्स्टिट्यूएंट, हिंदी में बोलते हैं मूलक। क्या बोलते हैं? मूलक, या उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापी। क्या बोलते हैं? मूलक, या उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी। क्या बोलते हैं? मूलक या प्रतिस्थापी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेडिकल या सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे? रेडिकल। चलो आ जाओ वापस। नंबर फर्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, चलो थोड़ा सा इसको ब्लैक कर लेते हैं, रेड में मजा नहीं आएगा। देखना, हमने बोला CH3 लिखा है और इस पर ऐसे लगा हो, तो देखना ये जो लाइनिंग है, ये जो है इसको बोलते हैं फ्री इंड, यानी कि यहाँ से कोई भी अटैच हो सकता है, या ये CH3 किसी अदर से अटैच हो सकता है, ये CH3 किसी से अटैच हो सकता है, तो इसको फ्री इंड बोलते हैं। और जनरली ध्यान रखना कि हमें जो भी काउंटिंग करना है या जो भी जोड़ना तोड़ना है इधर से ही जोड़ेंगे, इधर से नहीं जोड़ेंगे भाई, ये फ्री इंड, इसी फ्री इंड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकल या सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है मेथिल। इसका नाम क्या होता है भाई? मेथिल। इसका नाम क्या होगा? मेथिल। उसी तरह अगर अगर हमारे पास ऐसा आ जाए CH3CH2, तो इसको क्या बोलेंगे? एथिल। इसको क्या बोलेंगे? एथिल। एथेन नहीं बोलेंगे भाई, एथेन नहीं बोलेंगे। एथेन इसको तब बोलते जब ये होता CH3CH3 या C2H6 होता, तब इसको एथेन बोलते। अब इसमें एक हाइड्रोजन कम है, तो अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो उसमें YL जोड़ देते हैं, YL जोड़ देते हैं, जैसे मेथेन है तो उसमें एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो क्या हो गया? मेथिल। एथेन है, उसमें एक हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या हो जाएगा? एथिल। प्रोपेन है, उसमें एक हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या हो जाएगा? प्रोपिल। ब्यूटेन है, उसमें एक हाइड्रोजन कम कर लो तो क्या हो जाएगा? ब्यूटिल। यानी कि जो उनका जनरल फार्मूला है उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर लो। चलो आगे देखना, तीसरा अगला अगर हम लोग तीसरे की बात करें तो हमारे पास देखो ऐसे लिखा है CH2OH। तो देखना हमने क्या बोला, जहां पे हमारा ये फ्री इंड है वहीं पे काउंटिंग मानेंगे। ये क्या हो गया? वन। क्या हो गया? वन। नंबर ऑफ कार्बन वन, तो यहां से कार्बन की काउंटिंग की वन। वन पे कौन है? OH। कौन है? OH एल्कोहल। तो इसको अब क्या बोलेंगे? वन हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे? वन हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे? वन हाइड्रोक्सी, वन हाइड्रोक्सी मेथिल। क्या बोलेंगे? वन हाइड्रोक्सी मेथिल। क्या बोलेंगे? वन हाइड्रोक्सी मेथिल, क्योंकि कार्बन एक है, इधर क्या है? OH। नाम क्या हो जाएगा? वन हाइड्रोक्सी मेथिल। उसी तरह देखना अगर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं NH2CH2 और इधर पर फ्री इंड, तो अब ये एक कार्बन यहाँ से काउंटिंग कर दिए, क्योंकि जहाँ पे फ्री इंड होगा काउंटिंग वहीं से आप करोगे, जहाँ पे फ्री इंड होगा काउंटिंग वहीं पे आप करोगे। तो अब इसका नाम क्या लिखोगे? इसका नाम लिखोगे वन एमिनो। एमाइन नहीं लिखेंगे भाई, एमिनो लिखेंगे, क्योंकि हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख रहे हैं। ध्यान रखो किसका नाम? सब्स्टिट्यूएंट या रेडिकल का। वन एमिनो मेथिल। क्या लिखेंगे? वन एमिनो मेथिल। क्या लिखेंगे? वन एमिनो मेथिल। अगर उसी तरह अगर हमारे पास ऐसा आ जाए, देखो CH2 और इधर पर फ्री इंड, तो देखो हमने क्या बोला, पहले काउंटिंग करो कहां से जहां पे फ्री इंड है। तो ये देखो फ्री इंड यहां पे है, तो इसको क्या बोल देंगे? वन। ये क्या हो जाएगा? टू। तो टू पे कौन जुड़ा है? क्लोरीन। कौन जुड़ा है? क्लोरीन, क्लोरानी। तो क्या बोलेंगे? टू क्लोरो। क्या बोलेंगे? टू क्लोरो। क्या बोलेंगे? टू क्लोरो। दो कार्बन, तो नाम क्या हो जाएगा? एथिल। क्या हो जाएगा? एथिल। इसका नाम क्या होगा? टू क्लोरो एथिल। क्या होगा? टू क्लोरो एथिल। एथेन नहीं बोलेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, एथेन नहीं बोलेंगे, क्योंकि एथेन का फार्मूला तो होता है C2H6। क्या इसमें C2H6 है क्या? नहीं। तो फिर इसको हम लोग एथेन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एथिल। क्या बोलेंगे? एथिल। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है क्या? यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? भले बोलो, सभी को ये बात क्लियर है क्या? ये सभी को बात क्लियर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी को क्लियर है। चलो आगे थोड़ा सा और अब देखते हैं कुछ रेडिकल के नेम, आगे कुछ और रेडिकल के नेम देखते हैं। देखना यहाँ कितना हो गया, पांचवा नंबर तक ना, इधर देखो ये छठा नंबर, ये छठा नंबर। जैसे अगर लिखा है CH3 CH2 CH2, तो
तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपिल। क्या बोलेंगे भाई साहब, प्रोपिल। क्या बोलेंगे, प्रोपिल। क्या बोलते हैं, प्रोपिल। उसी तरह जैसे जैसे अगर देखो यहाँ पे लिखा है CH3, CH2 और ये ऐसे, तो यहाँ पे मान लो हमने क्या जोड़ दिया, ब्रोमीन। क्या जोड़ दिया, ब्रोमीन। तो हमने क्या बोला, जहाँ पे फ्री इंड हमारा मिलेगा, हमने क्या बोला, जहाँ पे तुम्हारा फ्री इंड मिलेगा काउंटिंग वहीं से करना है। कहाँ से, जहाँ पे फ्री इंड मिलेगा। तो ये देखो, ये देखो फ्री इंड, ये 1, ये 2 और ये 3। तो 2 पर कौन है, ब्रोमीन। कौन है, ब्रोमीन। तो इसका नाम क्या लिख देंगे, 2-bromo, 2-bromo। तीन कार्बन को ये देखो क्या बोलते हैं, प्रोपिल। तो बोल देंगे 2-bromo प्रोपिल, 2-bromo प्रोपिल। क्या ये क्लियर है। अगला देखना, अगला देखना। अब सपोज करो, अब सपोज करो कि हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं CH2, लेकिन इस बार यहाँ पर जोड़ रहे हैं क्या, क्लोरीन, और यहाँ पर जोड़ रहे हैं ब्रोमीन, और ये ऐसे। अब इसका नाम क्या लिखें सर, अब इसका नाम क्या लिखें सर। तो चलो वही तो हम लोग सीख रहे हैं कि साइड ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट या रेडिकल का नाम कैसे लिखेंगे। तो देखना हमने क्या बोला, जहाँ पे फ्री इंड मिलेगा, जहाँ पे फ्री इंड मिलेगा, जहाँ पर फ्री इंड मिलेगा काउंटिंग वहाँ से करोगे। तो देखो इसका काउंटिंग यहाँ से करते हैं, यहाँ से इसकी काउंटिंग करते हैं। तो ये देखो हमने काउंटिंग यहाँ से कर दी, ये 1, ये 2, ये 3। क्लियर है क्या सभी को। अब देखोगे तो 2-3, 1-2-3। तो 2 पर कौन है, क्लोरो। 3 पर कौन है, ब्रोमो। हाँ बिल्कुल, नहीं, आप गलत बता रहे हैं यार। मानते हैं आप में टैलेंट है, आप में काबिलियत है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं, जिसके कारण आपका 100-200 रैंक पीछे हो जाता है। पहले आप इसको सही करिए, फिर आकर के हमसे बतियाइए ना। ऐसे थोड़ी होता है जनाब, फील्डिंग करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल गलत है आपका। चलिए मैं बताता हूँ क्या सही होगा, ऐसे नहीं करना है भाई साहब। चलो देखो, आपने सही सोचा था। देखो क्लोरीन 2 पे है, ब्रोमीन 3 पे है, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा, अल्फाबेट। क्या यूज करते हैं, अल्फाबेट। ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या यूज करते हैं, अल्फाबेट। अब देखो इसका नाम क्या होता है, ब्रोमो। इसका नाम क्या होता है, क्लोरो। एबीसीडी में बी पहले आता है किसी, बताओ। एबीसीडी में बी पहले आता है किसी, बी। तो पहले नाम किसका लिखोगे, ब्रोमो का। ये हमें नहीं देखना है कि पहले कौन मिल रहा है, हमें अल्फाबेट को फॉलो करना है कि अल्फाबेट में कौन पहले आ रहा है। चाहे भले हमारा ब्रोमीन 10वें नंबर पर क्यों ना हो, क्लोरीन पहले नंबर पर क्यों ना मिल जाए, लेकिन हमें अल्फाबेट फॉलो करना है। जब 2 या 2 से ज़्यादा आ जाए, मोर देन 2 आ जाए सब्सिट्यूएंट, तो उनको ध्यान रखना, अल्फाबेट सीक्वेंस में नाम लिखेंगे। चाहे चाहे ब्रोमीन हमारा लास्ट में मिले, क्लोरीन पहले मिल जाए, उससे मतलब नहीं है, हमें अल्फाबेट को फॉलो करना है। तो 3 पर कौन है, ब्रोमीन। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 3-bromo। क्या लिखेंगे, 3-bromo। 2 पर क्या है, क्लोरीन। तो क्या लिखेंगे, 2-chloro। क्या लिखेंगे, 2-chloro, 2-chloro। तीन कार्बन को क्या बोलते हैं भाई, प्रोपिल। क्या बोलते हैं, प्रोपिल। क्या बोलते हैं, प्रोपिल। ये क्लियर है क्या, ये क्लियर है क्या, बोलो ये सभी को क्लियर है। हाँ बिल्कुल। चलो अगला 9वां नंबर देखते हैं। अगला देखना अगला हमने बनाया CH3, C और इधर भी लिख दिया हमने CH3, और इधर भी लिख दिया हमने CH3, और यहाँ पर हमने फ्री इंड कर दिया। तो हमने क्या बोला कि हमेशा, हमने बोला कि हमेशा फ्री इंड से काउंटिंग करोगे, हमेशा फ्री इंड से काउंटिंग करोगे। तो इसमें काउंटिंग कर लो, ये लो कर देते हैं काउंटिंग, ये 1, ये 2 और ये 3। हालांकि आप इधर भी जाओगे तो भी 3 मिलेगा, इधर भी जाओगे तो भी 3 मिलेगा। तो देखना 2 नंबर पे क्या है, ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3, कितने हैं, 2। तो क्या लिखेंगे, 2-2, 2 है तो डाई, 2 है तो डाई। कौन है, CH3। तो CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल। तो 2-2 डाई मेथिल। तीन कार्बन हमारा जो चैन है, जो PCC है, वो कितने की है, तीन कार्बन की। तो क्या बोलते हैं उसको, प्रोपिल। क्या बोलते हैं, प्रोपिल। तो ये हो गया 2-2 डाई मेथिल प्रोपिल। ये क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से सभी लोग नोट करें, फिर आगे चलते हैं। जल्दी सभी लोग, 1-2-3-4-5-6
सात आठ नौ दस। चलो आ जाओ आगे, थोड़ा सा और देखते हैं। कितना? नौ। कितना हुआ था? नाइन्थ तक। चलो अगला देखते हैं, टेंथ। टेंथ नंबर देखते हैं जल्दी से। देखो टेंथ नंबर हमने अगला क्या बनाया, CH3 CH CH2 और ये यहाँ पे हमने डाल दिया O CH3, यहाँ पर हमने डाल दिया ये। अब इसका हमें नाम बताना है, तो जल्दी से क्या हमने बोला, जहां भी फ्री एंड मिलेगा काउंटिंग वहीं से करोगे आप, जहां भी फ्री एंड मिलेगा काउंटिंग वहीं से करोगे, जहां भी फ्री एंड मिलेगा काउंटिंग वहीं से करोगे। चलो जल्दी से काउंटिंग कर लेते हैं, आ जाओ। ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये क्लियर है। तो अब इसका नाम, सेकेंड पे कौन है, OCH3, थर्ड पे कौन है, रिंग है। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, आ जाओ आ जाओ, टेंशन नहीं लेना है, बहुत आराम से। ये है OCH3, तो इसको बोलते हैं मेथॉक्सी। ओ है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी। मेथेन है, CH3 है, तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। एथेन होता तो क्या लिखते हैं, इथॉक्सी। प्रोपेन होता तो प्रोपॉक्सी। भाई यहाँ पे CH3 है, अगर C2H5 होता तो क्या लिखते हैं, इथॉक्सी। अगर C3H7 होता तो क्या लिखते हैं, प्रोपॉक्सी या ब्यूटॉक्सी, ऐसे ही लिखते। तो यहाँ पे CH3 है तो हमने क्या लिखा, मेथॉक्सी। तो क्या लिखेंगे, टू मेथॉक्सी। क्या लिखेंगे, टू मेथॉक्सी, टू मेथॉक्सी। उसके बाद थर्ड पे कौन है, रिंग। तो थर्ड को क्या लिखेंगे, थ्री। रिंग को क्या बोलेंगे, साइक्लो। क्या बोलेंगे, साइक्लो। कितने कार्बन की रिंग है, तीन की। देखो वन टू थ्री, थ्री कार्बन की रिंग है, तो थ्री साइक्लोप्रोपिल। क्या लिखेंगे, थ्री साइक्लोप्रोपिल, थ्री साइक्लोप्रोपिल। अब ध्यान रखना, हमने मेथिल को पहले क्यों लिखा, हमने मेथिल को पहले क्यों लिखा, तो हमने बोला याद करो, हमने बोला याद करो वो टाइम, अल्फाबेट अल्फाबेट। यहाँ पे क्या आ रहा है, एम। यहाँ पे क्या आ रहा है, पी। भाई प्रोपिल, भाई साइक्लो को अल्फाबेट में काउंट नहीं करते यार, साइक्लो को अल्फाबेट में काउंट नहीं करते। अगर आप साइक्लो को अल्फाबेट में काउंट कर रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो, साइक्लो को अल्फाबेट में काउंट नहीं करना है, नहीं तो फिर ये साइक्लो वाला पहले आ जाएगा। जनरली होता नहीं है, साइक्लो को अल्फाबेट में काउंट नहीं करते हैं। तो फिर ये है एम, ये है पी। तो मेथॉक्सी और प्रोपिल में एम पहले आएगा और पी बाद में आएगा, इसलिए हमने इसको बाद में लिखा है और इसको पहले लिखा है। अब टोटल PCC या हमारी चेन कितने कार्बन की है, चार की। तो चार को क्या बोलते हैं, ब्यूटिल। क्या बोलते हैं भाई, ब्यूटिल। क्या बोलेंगे, ब्यूटिल। ये क्लियर है। अगला देखना, इलेवेंथ नंबर। इलेवेंथ नंबर हमने लिख दिया इस तरह से, देखो CH2Cl और यहाँ पे फ्री एंड। तो हमने क्या बोला, ये वन, वन पे कौन है, क्लोरीन। तो इसका नाम क्या लिख दोगे भाई, वन क्लोरो मेथिल, वन क्लोरो मेथिल, वन क्लोरो मेथिल। क्या लिखोगे, वन क्लोरो मेथिल। उसी तरह अगर यहाँ पे हम लोग ब्रोमीन ले लें, क्या ले लें, ब्रोमीन, और ये CH2, तो यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन, तो क्या हो जाएगा, वन ब्रोमो मेथिल। क्या लिखेंगे, वन ब्रोमो मेथिल। क्या लिखेंगे, वन ब्रोमो मेथिल। उसी तरह अगला देखना, अगला देखना, अगर हम लोग इसको ऐसे ले लें, CH3 CH CH 3। अब इसका नाम क्या करोगे, तो हमने क्या बोला, काउंटिंग कर लो, नंबरिंग कर लो। कहाँ से, फ्री एंड से। तो लो फ्री एंड से काउंटिंग कर देते हैं, ये वन ये वन ये टू। बोलोगे सर इधर क्यों गए, जा सकते हो आप नीचे भी चले जाओ ना, क्या दिक्कत है भाई, इधर जाओगे तो भी टू मिलेगा, इधर भी जाओगे तो भी टू। ऐसा तो नहीं कि इधर चले जाओ तो पांच कार्बन मिल जाएंगे, नहीं, इधर तब जाते हैं जब हमें कार्बन क्या मिल जाता, ज़्यादा। लेकिन इधर भी जा रहे हैं तो भी टू, इधर भी जा रहे हैं तो भी टू, तो कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखना, अब इसका नाम क्या लिखेंगे, वन पे क्या है, मेथिल। तो क्या लिखेंगे, वन मेथिल। क्या लिखेंगे, वन मेथिल। दो कार्बन, क्या हो जाएगा, एथिल। क्या हो जाएगा, एथिल। तो इसका नाम क्या होगा, वन मेथिल एथिल। इसका नाम क्या होगा, वन मेथिल एथिल। क्या होगा, वन मेथिल एथिल। अगला देखना, अच्छा हाँ नोट कर लो, इधर पे तो जगह नहीं है क्योंकि अब नाम थोड़ा बड़ा बड़ा आएगा, तो इसको नोट कर लो, फिर अगले पेज पे जल्दी से बताते हैं और भी नाम। जल्दी से नोट कर लो सभी लोग, जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी 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 सभी लोग नोट करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन
एट नाइन टेन, सभी लोग कर चुके? अरे बोलो, सभी लोग कर चुके, सभी लोग कर चुके। चलो आ जाओ आगे। अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं नाम कि कैसे लिखना है। चलो आ जाओ आ जाओ। कितना किए थे भाई लास्ट? लास्ट 13 है। अगला देखना 14, 14 हमने लिखा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, तो फ्री इंड है। अब देखो इसमें कार्बन दो है, तो दो कार्बन है तो जनरली क्या बोलेंगे? एथिल। लेकिन डबल बॉन्ड आ गया, क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका नाम होता है इथेनिल। क्या होता है बेटा? इथेनिल। क्या होगा? इथेनिल। क्या होगा? इथेनिल। इसका नाम होगा इथेनिल, या इसी को दूसरा नाम बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं? विनाइल या वाइनिल, दोनों ही बोल सकते हो। विनाइल बोल दो या वाइनिल बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखना 15, अगर ये ऐसे हो जाए सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू, अब इसका क्या नाम बोलेंगे भाई? तीन कार्बन। क्या? तीन कार्बन। क्या? तीन कार्बन। तो इसका देखो दो तरीके से नाम लिख सकते हो, ये वन ये टू ये थ्री। डबल बॉन्ड कहाँ पे है? टू पर। डबल बॉन्ड कहाँ पे है? टू पर। तो डबल बॉन्ड टू पे है, डबल बॉन्ड टू पे है, तो इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे प्रोप टू इनाइल। क्या लिखोगे? प्रोप टू इनाइल। क्या लिखोगे? प्रोप टू इनाइल, या इसका दूसरा नाम लिख सकते हो टू प्रोपेनाइल। क्या लिख सकते हो? टू प्रोपेनाइल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे आप लिख लो प्रोप टू इनाइल या लिख लो टू प्रोपेनाइल। लेकिन अगर सोचो, अगर सोचो, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच, अब इसका क्या करें? अब इसका क्या करें? तो इसका नाम और आसान हो गया। कैसे? काउंटिंग कर दो भाई, वन टू थ्री। तो वन पे अब क्या है? डबल बॉन्ड। तो अब इसको क्या लिखेंगे? तीन कार्बन है, तो तीन को क्या बोलते हैं? प्रोप। तो हमने लिख दिया प्रोप वन इनाइल। क्या है? प्रोप वन इनाइल, या इसी का, या इसी का क्या नाम लिखेंगे? प्रोपेनाइल। क्या लिखेंगे? प्रोपेनाइल। क्लियर? या वन प्रोपेनाइल भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है। या बोल दो प्रोप वन इनाइल, या वन प्रोपेनाइल, या प्रोपेनाइल बोल दो, क्योंकि जनरली प्रोपेनाइल बोलोगे अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो आप हमेशा मान के चलना कि वो जो ग्रुप है, वो जो बॉन्ड है, या वो जो कंपाउंड है, या जो वो सब्सिट्यूएंट जुड़ा है, वो वन नंबर पे जुड़ा है। अगर वो नंबर नहीं बोल रहा है, सीधे बोल रहा है, जैसे बोल रहा है प्रोपीन, तो लास्ट में क्या आ रहा है? इन, यानी कि डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, डबल बॉन्ड है। अब उसने ये नहीं बोला कि कितने नंबर पे है, सीधे बोल दिया प्रोपीन, तो हम हमेशा मान के चलेंगे कि वो कहाँ है? फर्स्ट नंबर पे। कहाँ है? फर्स्ट नंबर पे। कहाँ है? फर्स्ट नंबर पे। अगला 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 देखना, मैं लिखा सी एच थ्री, फिर लिख दिया सी एच, सी एच थ्री सी एच, इधर लिख दिया एन एच टू, इधर लिख दिया सी एच पी आर, इधर लिख दिया सी एच टू। ये देखो अब इसका हमसे नाम पूछ रहा है, बहुत ही आसान। हमने क्या बोला? काउंटिंग कर लो। क्या कर लो? काउंटिंग कर लो। तो चलो काउंटिंग कर देते हैं, काउंटिंग कर देते हैं। ये वन ये टू ये थ्री ये फोर, ये क्लियर है। अब देखो टू पे कौन है? ब्रोमीन। थ्री पे कौन है? एमाइन। तो क्या करो? अल्फाबेट। क्या करो? अल्फाबेट। एमाइन, ए बी सी डी में ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, तो पहले किसका नाम लिखोगे? एमाइन का। कितने नंबर पे है? थर्ड नंबर पे, तो लिख देते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। चलो क्या नाम हो जाएगा? थ्री एमाइन। क्या हो जाएगा? थ्री सॉरी एमिनो, क्योंकि सब्सिट्यूएंट है या साइड ब्रांच है, तो थ्री एमिनो टू ब्रोमो, टू ब्रोमो। चार कार्बन है तो क्या बोलोगे? ब्यूटिल। क्या बोलोगे? ब्यूटिल। क्लियर है क्या? अगला देखना, अगला है, अगला है, यहीं पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं? सी एच टू सी एच सी एच टू, यहाँ पे हम लोग ले ले रहे हैं ओ एच, और यहाँ पे ले ले रहे हैं एन एच टू।
अब इसका नाम कैसे लिखें? तो हमने क्या बोला, जहाँ भी फ्री एंड है वहाँ से क्या कर लो, काउंटिंग। क्या कर लो? काउंटिंग। क्या करोगे? काउंटिंग। तो देखना देखना देखना, इधर देखो सभी लोग, किसी की नज़र नहीं हटनी चाहिए। ये देखो ये देखो ये देखो, हमने कर दिया काउंटिंग। 1 2 3। 3 पे कौन है? एमाइन। 2 पे कौन है? एल्कोहल। 3 पे कौन है? एमाइन। 2 पे कौन है? एल्कोहल। तो अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि एबीसीडी में एमाइन ए पहले आएगा और ओएच एल्कोहल, एल्कोहल क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी बाद में आएगा, तो जो पहले आएगा अल्फाबेट में उसका नाम हम पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 3 हाइड्रो, 3 एमाइनो, 3 एमाइनो या 3 एमिनो, एमाइनो एमिनो बोलो कोई दिक्कत नहीं है, और 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को क्या बोलते हो भाई? प्रोपेन। क्या बोलते हो? प्रोपिल। क्या बोलते हो? प्रोपिल। ये लो हो गया, जल्दी से सभी लोग नोट करें जल्दी, फिर आगे चलते हैं। जल्दी 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 सभी लोग नोट करें जल्दी, सभी लोग जल्दी नोट करें। जल्दी कर चुके क्या? चलो आ जाओ, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कहाँ तक किए थे भाई? लास्ट लास्ट 17। अगला 18 नंबर, 18 नंबर। अब देखना, अब देखना मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे दिख रहा हूँ, देखो सी एच डबल बॉन्ड सी एच और यहाँ पे मैं लिख दिया पी आर। अब इसका कैसे नाम लिखोगे? मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया? सबसे पहले किसका नाम? रेडिकल का। किसका नाम? रेडिकल का। रेडिकल में भी पहले काउंटिंग तो करो। चलो काउंटिंग कर देते हैं, आ जाओ। ये लो काउंटिंग कर दिए, ये 1 ये 2। 2 पे कौन है? ब्रोमीन। 2 पे कौन है? ब्रोमीन। तो इसका नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो। क्या होगा? 2 ब्रोमो। डबल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलते हैं? इथेनिल। क्या बोलते हैं? इथेनिल। क्या बोलते हैं? इथेनिल। उसी तरह अगला देखना, अगला देखना, अगला देखना, अगला देखना, अगला मैं क्या कर रहा हूँ? सी एच, सी एच इधर पे जोड़ दे रहा हूँ ब्रोमीन, इधर भी जोड़ दे रहा हूँ ब्रोमीन, और ये फ्री रेडिकल। तो ये सी एच टू कर दो, इसको भी सी एच टू कर दो। तो 2 3 4 एक दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इसका कैसे करोगे? तो सबसे पहले क्या कर लो? काउंटिंग। क्या? ये 1 ये 2। तो 1 और 2 दोनों पे कौन है? ब्रोमीन। तो क्या लिखेंगे? इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे 1 1 कॉमा 2। 2 हैं तो क्या लिखेंगे? डाई। क्या है? डाई। कौन है 2? ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन। तो क्या लिखेंगे? 1 2 डाई ब्रोमो। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या लिखेंगे? एथिल। क्या लिखेंगे? एथिल। इथेनिल नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है। अगर डबल बॉन्ड होता तो लिखते 1 2 डाई ब्रोमो इथेनिल, लेकिन सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? एथिल। अगला देखना, अगला देखना, अगला 20 नंबर, अगला नंबर। हमने क्या बोला? ये देखो ऐसे है सी एच टू, सी एच टू, और ये यहाँ पे हमने जोड़ दिया डी। ये डी, ये कौन सा जानवर है? ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं केमिस्ट्री में। बहुत बढ़िया, ये होता है ड्यूटेरो। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरो। अरे हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं ना, प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्राइटियम। तो ड्यूटीरियम को डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राइटियम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इधर किनारे में लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो ये कौन हो गया? ड्यूटीरियम। तो नाम क्या लिखेंगे? ड्यूटेरो। कितने पे है? 2 नंबर पर। काउंटिंग कर दो, कितने पे है? 2 नंबर पे। तो ये 1 ये 2। तो अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2 ड्यूटेरो, 2 ड्यूटेरो, 2 ड्यूटेरो। 2 कार्बन है तो क्या नाम होगा? एथिल। 2 कार्बन है तो नाम क्या होगा? एथिल। ये क्लियर है क्या सभी को? बोलो यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? चलो अगला देख लेते हैं थोड़ा सा, 21। अगर हमारे पास ऐसा लिख दे, देखो CH3, CH, CH2
और यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पे जोड़ दिया COOH। तो अब इसका क्या नाम लिखोगे भाई साहब? हमने क्या बोला, सबसे पहले क्या कर लो, काउंटिंग। क्या कर लो, काउंटिंग, 1 2 3। कोई ये मत पूछ लेना कि सर इधर से काउंटिंग क्यों नहीं करेंगे, मैं 20 बार बता चुका क्या कि जहाँ पे फ्री इंड मिलेगा वहीं से काउंटिंग करना है। तो 2 नंबर पे कौन है, COOH एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 कार्बोक्सी। क्या नाम हो जाएगा, 2 कार्बोक्सी, 2 कार्बोक्सी। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपिल। क्या बोलते हैं, प्रोपिल। क्या बोलते हैं, प्रोपिल। तो ये हो जाएगा 2 कार्बोक्सी प्रोपिल। क्या हो जाएगा, 2 कार्बोक्सी प्रोपिल। क्या हो जाएगा, 2 कार्बोक्सी प्रोपिल। ये सभी को क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? हाँ भाई जल्दी बोलो, किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है? चलो थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, एक दो और देख ले रहे हैं। 22, जैसे हमने लिखा CH3, यहाँ पे लिखा CH, यहाँ भी लिख दिया CH, यहाँ लिख दिया CH2, और ये फ्री इंड। यहाँ पे हमने बना लिया ये, यहाँ पे हमने बना लिया ये, ठीक है। तो देखो अब इसका नाम कैसे करोगे, तो हमने क्या बोला, सबसे पहले क्या करोगे, काउंटिंग। सबसे पहले क्या करोगे, काउंटिंग। क्या करोगे, काउंटिंग। तो ये लो भाई 1 2 3 4। अब इसका नाम लिखना है, तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, 2 पे कौन है, साइक्लोप्रोपिल, 3 पे कौन है, साइक्लोब्यूटिल। प्रोपिल और ब्यूटिल में पहले कौन आएगा, ब्यूटिल, तो जो पहले आएगा उसका अल्फाबेट में नाम पहले लिखेंगे। तो 3 साइक्लो 3 साइक्लोब्यूटिल, 3 साइक्लोब्यूटिल। फिर उसके बाद 2 साइक्लो 2 साइक्लोप्रोपिल, 2 साइक्लोप्रोपिल, 2 साइक्लोप्रोपिल। 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटिल। क्या बोलते हैं, ब्यूटिल। अरे क्लियर है क्या, ये सभी को क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। अगर इसमें किसी को डाउट है तो फिर अपना इलाज कराओ यार, इतना आसान आसान चीज तुम्हें सिखा रहे हैं। चलो यहाँ तक बात सभी का क्लियर, सभी लोग जल्दी से नोट करें, फिर आगे चलते हैं अपन। जल्दी से यहाँ तक नोट करें, फिर आगे चलते हैं। जल्दी सभी लोग नोट करो, जल्दी 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 सभी लोग नोट करो। हाँ जल्दी सभी लोग नोट करें, फिर आगे चलते हैं। कर चुके सभी लोग, चलो तो आगे चल रहे हैं अपन। अगला है सिलेक्शन। अब हमारे पास सिलेक्शन आ गया, तो IUPAC नॉमनक्लेचर अब स्टार्ट हो रहा है। क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, IUPAC नॉमनक्लेचर अब स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले हम लोग इसके बेसिक्स की बात कर रहे थे, इसके बेसिक्स की बात कर रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, बॉन्ड एंगल क्या होगा, यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, कार्बन कितने होंगे, ये सारे चीज काउंट कर रहे थे। अब जो प्रॉपर जो चैप्टर का हमारा डिस्कशन है वो अब स्टार्ट हो रहा है। क्या IUPAC नॉमनक्लेचर, क्या IUPAC नॉमनक्लेचर, मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। अब हमारा मेन हेडिंग स्टार्ट हो रहा है, क्या IUPAC नॉमनक्लेचर, IUPAC नॉमनक्लेचर, IUPAC नॉमनक्लेचर। अब ये हमारा मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है IUPAC नॉमनक्लेचर। इसके पहले जितना भी पढ़े थे, इसके पहले जितना भी पढ़े थे वो सारा क्या था भाई, बेसिक। क्या था, बेसिक। तो देखना सबसे पहला स्टेप नॉमनक्लेचर के हम लोग 3 स्टेप पढ़ेंगे, नॉमनक्लेचर के हम लोग 3 स्टेप पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। नॉमनक्लेचर के हम लोग 3 स्टेप पढ़ेंगे, ये सबसे पहला स्टेप होता है। क्या सिलेक्शन, क्या सिलेक्शन, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने की तरीके को सीखेंगे कि कैसे कैसे चेन हो, बहुत सारी ब्रांच हो, अनब्रांच हो, जैसे भी हो, तो उसको सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या, सिलेक्शन। 3 स्टेप होता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप सिलेक्शन, सबसे पहला स्टेप सिलेक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं, चयन या चुनाव करना। दूसरा स्टेप होता है नंबरिंग, नंबरिंग काउंटिंग जिसको बोलते हो। तीसरा स्टेप होता है नेमिंग, तीसरा स्टेप होता है नेमिंग, ध्यान से सुन लो फिर मैं बोल रहा हूँ। पहला स्टेप सिलेक्शन, दूसरा स्टेप नंबरिंग या काउंटिंग, तीसरा स्टेप नेमिंग। तो 3 स्टेप होते हैं, कितने, 3 स्टेप होते हैं। पहला सिलेक्शन, दूसरा नंबरिंग, तीसरा नेमिंग। 3 स्टेप, पहला सिलेक्शन, दूसरा नंबरिंग, तीसरा नेमिंग। तो पहला स्टेप सिलेक्शन हम लोग देख रहे हैं। इस रूल को तुम फॉलो करना, IUPAC के सारे क्वेश्चन चुटकियों में कर लोगे, ये मैं तुम्हें वादा करता हूँ। बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से समझना सभी लोग। हमने क्या लिखा है,
पी सिलेक्ट सच मैन चैन विच एज हैज। पहला क्या मैक्सिमम हमको क्या मिल जाए, पीएफजी। मतलब ये बोल रहा है कि ऐसे चैन को सिलेक्शन करो जिसमें मैक्सिमम क्या मिले, पीएफजी मिले। ऐसे चैन को सेलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम पहले हमें क्या मिल जाए, पीएफजी। फिर क्या बोलता है, अगर पीएफजी नहीं मिल रहा है या पीएफजी मिल गया तो फिर इसके बाद क्या करें। फिर बोलता है कि मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड ढूंढो। मतलब ऐसे चैन का सेलेक्ट करो जहाँ पे हमें मैक्सिमम क्या मिल जाए, मल्टीपल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मिले। मतलब पीएफजी मिल जाए सबसे पहले, और पीएफजी मिलने के बाद फिर आगे क्या करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल जाए, मल्टीपल बॉन्ड। अगर पीएफजी है तो ठीक है, नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड। आगे देखना, फिर बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। ये जनाब, ये सभी लोग ध्यान रखना, इस पॉइंट को बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, इस पॉइंट को बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। और एक ये, क्योंकि आगे जब स्टेप बताएंगे तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हमें जब मल्टीपल बॉन्ड मिल जाएगा तो हमें कार्बन ज़्यादा चाहिए सिलेक्शन में, सब्स्टिट्यूएंट बाद में चाहिए, हमें पहले क्या चाहिए, कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट बाद में। और यही लोग जल्दी गलती करते हैं, जनरली जो लोग गलती करते हैं क्या, वो लोग कार्बन को बाद में लेते हैं, वो लोग पहले सब्स्टिट्यूएंट पे चले जाते हैं। हमें सब्स्टिट्यूएंट सबसे लास्ट में लेना है, सबसे पहले क्या लेना है, पीएफजी। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, पीएफजी। पीएफजी क्या होता है भाई, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या मेन फंक्शनल ग्रुप, हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह, पीएफजी को। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पीएफजी या प्रिंसिपल या मेन फंक्शनल ग्रुप। फिर दूसरा क्या चाहिए, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड। फिर तीसरा क्या चाहिए, मैक्सिमम कार्बन। फिर लास्ट में हमें चाहिए सब्स्टिट्यूएंट। तो हमने हिंदी में भी लिख दिया है कि ऐसी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें सबसे पहले और ज़्यादा हमें क्या मिल जाए, पीएफजी। फिर क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बहुबंध, बहुबंध मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल जाए, कार्बन। ये ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट जल्दी गड़बड़ी होता है, क्योंकि जब नंबरिंग और नेमिंग में जाओगे तो ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। मतलब वहाँ पे फिर हमें सब्स्टिट्यूएंट जल्दी चाहिए और ज़्यादा चाहिए, कार्बन बाद में चाहिए और कम मिले ज़्यादा सही रहता है। तो ध्यान रखना सिलेक्शन का स्टेप, हमने इसको एक फार्मूले में एक लाइन में पूरा ड्रॉ कर दिया। क्या, सबसे पहले हमें क्या मिल जाए, पीएफजी। सबसे पहले हमें क्या मिल जाए पीएफजी, यानी कि पहले हमें क्या मिल जाए, पीएफजी, जल्दी और ज़्यादा क्या मिल जाए, पीएफजी। अगर पीएफजी मिल जाता है तो फिर आगे क्या चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड। क्या चाहिए, एमबी मतलब मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट के बाद चलेंगे, सबसे लास्ट में किसके पास चलना है, सब्स्टिट्यूएंट के बाद। सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले नहीं लेना है, ये सभी लोग ध्यान रखना। सब्स्टिट्यूएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलक, ये हमने बता रखा है। सब्स्टिट्यूएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलक, ये हमने बता रखा है। तो सबसे पहले क्या चाहिए, पीएफजी, फिर इसके बाद मल्टीपल वन, फिर इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। तो इस फार्मूले को डिब्बे में पैक कर लो, इसको रट के रखना है कि सबसे पहले सिलेक्शन में क्या चाहिए, पीएफजी, फिर उसके बाद क्या चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड, फिर क्या चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन, फिर लास्ट में हमें चाहिए सब्स्टिट्यूएंट। जल्दी से सभी लोग नोट करें, फिर आगे चलते हैं जल्दी से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। चलो भाई आ जाओ, चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है। तो देखना, कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं सिलेक्शन कैसे करना है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बोला कि सिलेक्शन का तुम्हें पहले स्टेप याद रखना है भाई साहब, क्या कि हमें मैक्सिमम क्या मिले पीएफजी। फिर उसके बाद हमें क्या मिल जाए, मल्टीपल बॉन्ड, फिर क्या मिल जाए, कार्बन, फिर उसके बाद क्या मिल जाए, सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो इसमें हमें सिलेक्शन करना है, तो हमको सबसे पहले क्या मिलना चाहिए, पीएफजी, क्या मिलना चाहिए, पीएफजी। तो यहाँ पे हम लोग अपना सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्शन। तो देखो सिलेक्शन में हमारे पीएफजी NH2 क्या है, पीएफजी, तो ये हमारे सिलेक्शन में आ गया। अब मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो हम लोग अपने कार्बन को ले लेंगे। तो अब देखो इसमें हमें क्या क्या मिला था, हमें पीएफजी मिला, क्या मिला, पीएफजी, कितना मिला, एक। कौन है एमाइन या NH2। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड हमें नहीं मिला है, ध्यान रखना, मल्टीपल बॉन्ड कितना है, जीरो। यहाँ पे फिर कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट,
यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, जीरो, कितने हैं, जीरो। ये इन्फॉर्मेशन आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करोगे तो बहुत आसान हो जाएगी ये चीज़ें। तो अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं, दूसरा देखना, दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, चलो तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्शन। पहले क्या चाहिए, PFG। क्या इसमें कहीं भी PFG दिख रहा है क्या? नहीं। क्या इसमें कहीं भी PFG दिख रहा है? नहीं भाई। यहाँ पे जो हमारे PFG होते हैं वो कहीं दिख रहे हैं क्या? नहीं। तो फिर हमें क्या मिल जाए, मल्टीपल बॉन्ड। क्या मिल जाए, मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड तो हमें दिख रहा है, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे मल्टीपल बॉन्ड वाले चेन को। तो ये देखो, ये हमारा मल्टीपल बॉन्ड वाला चेन, ये हमारा मल्टीपल बॉन्ड वाला चेन। जबकि देखोगे तो इसमें कार्बन हमें भले कम मिल रहा है, लेकिन हमको पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, मल्टीपल बॉन्ड को। इसमें देखोगे तो हमें कार्बन ज़्यादा मिल जाएगा, इसमें कार्बन भले ही कम मिलेगा, लेकिन हमको पहले मल्टीपल बॉन्ड चाहिए, हमें पहले PFG चाहिए। PFG नहीं है तो फिर किसको पहले लेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को, फिर उसके बाद जाएंगे कार्बन पर। अगर मल्टीपल बॉन्ड हमें नहीं मिल रहा है, कार्बन पहले चाहे 50 मिल जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा रूल बोलता है कि हमको पहले PFG मिले, PFG नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को पकड़ो। तो पहले मल्टीपल बॉन्ड को पकड़ेंगे, तो इधर पे ये जो कार्बन है, चाहे 20 कार्बन हो, हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे PFG कितना है, जीरो। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड कितना है, तो कौन है, सी डबल बॉन्ड, सी। फिर उसके बाद कार्बन, कितने कार्बन है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ध्यान से देखना, मैं काउंट कर दे रहा हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये लास्ट में 6। तो हमारे पास कार्बन कितने हैं, 6। सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं भाई साहब, तो एक तो इधर वाला है और एक ये चेन। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ कितने हो गए, 2। ये सभी को बात क्लियर है क्या, बोलो सलेक्शन में किसी को कोई दिक्कत, चलो तो तीसरा एग्जाम्पल अब देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल, NH2, CH2, 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 NH2, इधर पर CH NH2, और इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ये CH इधर पे CH2 और ये CH यहाँ पर NH2। चलो ये हमारा है मेन, क्या हमारा जो है, ये हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि इसमें हमें सिलेक्शन करना है, क्या कुछ गड़बड़ है क्या? अरे लो यार, अच्छे से बना दे रहे हैं ये लोग, C C C C NH2 CH NH2, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर भी NH2। लो अब क्लियर है, अब अच्छे से दिख रहा है सभी को। चलो तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, सिलेक्शन। तो हमने क्या बोला, कि हमको क्या चाहिए, पहले PFG चाहिए। तो यहाँ पे PFG हैं, NH2, 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 सब क्या हैं, PFG हैं। इसको CH2NH2 कर दो, PFG ये है। तो PFG है तो हम लोग अपने सिलेक्शन में क्या चाहते हैं, कि मैक्सिमम हमें PFG मिल जाए। तो देखो भाई, इधर देखो, सभी लोग इधर देखें ध्यान से। हमने क्या किया, हमने यहाँ से सेलेक्ट किया चेन को, यहाँ पे जाने के बाद रुक गए। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ऊपर चला जाऊँ या तो मैं सीधे चला जाऊँ। अब देखोगे, ऊपर जाऊँगा तो भी CH2NH2 मिलेगा, सीधे जाएंगे तो भी CH2NH2 मिलेगा। हमने क्या बोला, यहाँ पे रुकने के बाद हमें दो रास्ते मिल गए, या तो मैं सीधा चला जाऊँ तो भी वही मिलेगा CH2NH2, या ऊपर जाऊंगा तो भी वही मिलेगा CH2NH2। तो आप चाहे ऊपर चले जाओ या सीधे चले जाओ, दोनों ही जगह क्या मिलेगा, CH2NH2। तो
लो, मैं सीधा चला गया। तो अब ध्यान रखना, ये जो है ये अब हमारा PFG नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? ये देखो, ये ऐसे अब जुड़ा है, ये ऐसे जुड़ा है CH2NH2। तो यहाँ पे कार्बन से ये जुड़ा है, डायरेक्टली हमारे चैन में थोड़ी अटैच है। डायरेक्टली अगर NH2 अटैच होता तो अब हम उसको PFG मानते, तो ये फिर PFG नहीं है। ये कौन है? सब्स्टिट्यूएंट। क्या है? सब्स्टिट्यूएंट या साइड ब्रांच है। ये कौन है? सब्स्टिट्यूएंट या साइड ब्रांच। अगर डायरेक्टली हमारे चैन में अटैच होता, जैसे देखो इस NH2 को, तो डायरेक्टली हमारे PCC या मेन चैन में अटैच है। इस NH2 को देखो, डायरेक्टली अटैच है। ये देखो इसको भी, लेकिन ये कार्बन के थ्रू इसमें अटैच हो रहा है। तो ऊपर वाला जो CH2NH2 है वो अब हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, वो PFG फिर नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखे, अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखे PFG, तो कितना है PFG? 1, 2, 3। कितना है? 3। ध्यान रखना, 1, 2, 3, ये PFG नहीं होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट या साइड ब्रांच चला जाएगा। अगर यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड की बात करें तो मल्टीपल बॉन्ड कितना है भाई साहब? 0। अगर यहाँ पे कार्बन की बात करें तो कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कितना है? 1। सब्स्टिट्यूएंट कितना है? 1। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कितना है भाई साहब? 1। ये सभी लोग ध्यान रखना। अगला देखना, अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, अगला एग्जाम्पल तो ये देखो, अगला एग्जाम्पल ये SO3H, इधर भी SO3H और यहाँ पर SO3H, और इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है? ये लो, अब सही है। अब देखना, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? सिलेक्शन। हमें क्या करना है? सिलेक्शन। तो हमें सिलेक्शन करना है, तो हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम PFG मिलने चाहिए। हमारा रूल क्या बोलता है? मैक्सिमम हमें पहले क्या मिल जाए? PFG, फिर उसके बाद क्या मिल जाए? मल्टीपल बॉन्ड। फिर क्या मिल जाए? मल्टीपल बॉन्ड। तो देखो SO3H, 3 है। तो अब हम लोग इसको अपने PFG में लेना चाहते हैं, यानी कि अपने सिलेक्शन में लाना चाहते हैं। तो जो जो हमारे सिलेक्शन में आ जाएगा वो सारे PFG होंगे, जो सिलेक्शन में नहीं आएगा वो सब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे या प्रीफिक्स हो जाते हैं। तो देखना, मैं सिलेक्शन यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ये लो मैं सिलेक्शन स्टार्ट कर दिया, ये हमारा हो गया सिलेक्शन। तो देखोगे कि ये जो SO, अच्छा यहाँ पे H होगा, ये जो SO3H है ये डायरेक्टली हमारे PCC वाले चैन से अटैच है। ये भी जो है ये डायरेक्टली PCC वाले चैन से अटैच है। तो ये ध्यान रखना कि तीनों ही SO3H, तीनों ही PFG हमारे मेन चैन या PCC या पेरेंट कार्बन चैन में अटैच हैं। तो यहाँ पे PFG कितना हो गया भाई साहब? 3। कितना हो गया? 3। मल्टीपल बॉन्ड कितने हैं? 0। कार्बन कितने हैं? काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कार्बन कितने हो गए? 6। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे 0 है, सब्स्टिट्यूएंट एक भी नहीं है। तो जल्दी से सभी लोग नोट करें, फिर आगे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। जल्दी सभी लोग नोट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो सभी लोग नोट कर चुके। आ जाओ अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं। कितना एग्जाम्पल हो गया था भाई? 4। पांचवा एग्जाम्पल, अगला हमने क्या लिया एग्जाम्पल देखना। अगला हमने लिया ये है NH2, इधर पे हमने लिख दिया ET, इधर पे क्या लिख दिया? ET। यहाँ पे लिख दिया ME। ET मतलब होता है एथिल, ME मतलब होता है मेथिल, ये ध्यान रखना। ET मतलब एथिल, ME मतलब मेथिल, ET मतलब एथिल, ME मतलब मेथिल। तो अब हमें इसमें सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन का हमारा रूल क्या बोलता है कि हमको क्या चाहिए? पहले PFG चाहिए, हमको पहले क्या चाहिए? PFG चाहिए। तो लो भाई NH2 है, PFG है हमारा, कर लो सिलेक्शन। तो इसको सिलेक्शन में ले लेंगे। तो चलो चल दिए सिलेक्शन की ओर। ये लो, हमने अपने एमाइन को सिलेक्शन में ले लिया। यहाँ पे आने के बाद रुक जाएंगे। अब हमारा रूल क्या बोलता है कि हमें क्या मिल जाए? मल्टीपल बॉन्ड। क्या मिल जाए?
मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है, फिर क्या चाहिए हमें, ज्यादा कार्बन, मैक्सिमम क्या मिल जाए, कार्बन। तो देखो यहाँ पे आने के बाद हमारे पास दो रास्ता है, या तो यहाँ पे आकर के एंड कर ले अपने सिलेक्शन को, या तो इधर चले जाएं, या तो इधर चले जाएं। तो देखना यहाँ पे जाएंगे तो हमें एक कार्बन मिलेगा, इधर दो तीन कार्बन मिल जाएंगे, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे होती है गड़बड़, यहाँ पे जनरली मैक्सिमम बच्चा गलत कर देता है। क्या वो सोचता है कि सर यहाँ से ना इधर चले जाओ, क्या बोलता है कि सर यहाँ से इधर चले जाओ, नहीं करना है भाई, इधर पे यहाँ से जाओगे तो कितना कार्बन मिलेगा तुम्हें, एक्स्ट्रा एक। तो ऊपर कौन है, एथिल, एथिल में दो कार्बन है, एथिल में दो कार्बन है, और वो एथिल को निग्लेक्ट कर देता है, एथिल को इग्नोर कर देता है, या उसके दिमाग से स्किप हो जाती है कि एथिल में दो कार्बन है, हमें ज्यादा कार्बन चाहिए, हमें ज्यादा कार्बन चाहिए, और वो गलत कर देता है, सिलेक्शन को इधर ले जाता है। ये ध्यान रखना, हम कहाँ चले जाएंगे, एथिल की ओर, क्योंकि एथिल के पास ज्यादा कार्बन मिलेगा भाई, एथिल के पास दो कार्बन मिलेगा, इधर पे एक कार्बन मिलेगा, तो किधर जाओगे ये बताओ, किधर जाओगे, मेथिल की तरफ जाओगे कि एथिल की तरफ, एथिल की तरफ जाएंगे। तो अब यहाँ पे पी एफ जी, यहाँ पर पी एफ जी कितना है, एक, और मल्टीपल बॉन्ड कितना है भाई, जीरो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे पाँच है, एथिल में दो कार्बन होते हैं तो कितना हो जाएगा, सात कार्बन। और सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, सब्स्टिट्यूएंट एक ये है और एक ये है, दोनों ही क्या है, मेथिल, तो सब्स्टिट्यूएंट दो हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट दो हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्या सभी को क्लियर है, क्या बोलो, यहाँ तक की बात। इसमें की पॉइंट क्या था कि बच्चा जनरली क्या गलत करता है, वो एथिल को स्किप कर देता है, एथिल को ध्यान से उसके उतर जाता है, एथिल को भूल जाता है, और वो चला जाता है उधर की ओर जिधर पे कम कार्बन है। लेकिन हमारा रूल बोलता है कि हमको मैक्सिमम क्या चाहिए, पहले कार्बन, फिर लास्ट में हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट, क्या चाहिए, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। तो ये ध्यान रखना कि हमको मैक्सिमम क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, फिर उसके बाद क्या चाहिए, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। तो ये ध्यान रखना, इसमें की पॉइंट क्या था कि एथिल को नहीं भूलना है, एथिल को नहीं भूलना है। अब देखना अगला मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल, अगला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगला एग्जाम्पल मैंने लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्शन, तो पहले क्या चाहिए, पी एफ जी। तो देखोगे इस एग्जाम्पल में कहीं भी पी एफ जी नहीं दिख रहा है, अरे भाई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को पी एफ जी नहीं बोलते हैं, पी एफ जी का वो 13 टेबल होता है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में या इसी में होगा तो इसी लेक्चर में बता दूँ कि वो 13 टेबल कौन कौन है, और कोशिश करेंगे कि आपको याद भी करवा दें भाई। अपने को क्या करना है, चीज़ों को सिंपलीफाई करना है, जितना सरल जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करने की कोशिश करेंगे। तो अब इसमें हमें क्या करना है, सिलेक्शन, तो पहले क्या चाहिए, पीएफजी, पीएफजी नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड को पीएफजी नहीं मानते हैं, ये ध्यान रखना, यानी एल्किन एल्काइन पीएफजी नहीं होता है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्शन, तो सिलेक्शन में क्या करेंगे, सिलेक्शन में क्या करेंगे, तो देखना सिलेक्शन में हमको क्या चाहिए, पी एफ जी नहीं है, तो क्या करें, मल्टीपल बॉन्ड ले लें। तो देखो हमने हमने हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ से चलो, या यहाँ से चलो, या यहाँ से चलो, सिलेक्शन के तीन चार रास्ते हैं, या इधर से सिलेक्शन कर लो, या इधर से कर लो, या इधर से कर लो, ठीक है। लेकिन हमको मल्टीपल बॉन्ड चाहिए, हमको मल्टीपल बॉन्ड चाहिए। तो चलो देखो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे आके रुक जाऊंगा, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास दो रास्ते हैं, जहां पर दो या तीन रास्ते मिल जाएं एक बार रुक जाना और सोचना अपने रूल के बारे में, हमने जो बताया है उसके बारे में, क्या अगर हम इधर जाएंगे तो हमें मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद हमारा रूल बोलता है कि हमें मैक्सिमम कार्बन भी मिल जाए। अब बताओ यहाँ से इधर जाएंगे तो कितने कार्बन, एक और दो, दो कार्बन मिलेंगे, मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा, लेकिन अगर इधर जाएंगे तो एक दो तीन कार्बन, मतलब इधर जा रहे हैं तो तीन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है, इधर जा रहे हैं तो दो कार्बन मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है। हमारा रूल क्या बोलता है कि मल्टीपल बॉन्ड भी ले लो और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम कार्बन भी ले लो। तो इधर पे दो कार्बन प्लस मल्टीपल बॉन्ड, इधर पे तीन कार्बन प्लस मल्टीपल बॉन्ड, तो क्या करेंगे हम लोग, उधर चले जाएंगे जिधर पे हमें मल्टीपल बॉन्ड और मैक्सिमम कार्बन मिल रहा है, तो फिर इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इधर पे चले जाएंगे, इसको छोड़ देंगे,
तो अब हमारा सिलेक्शन ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट या रेडिकल, और ऐसा हमने बताया है आप लोगों को, ये क्या हो जाएगा इथेनिल, क्या हो जाएगा इथेनिल, या इसी को बोल देंगे वाइनिल या विनाइल। तो अब हमारे सिलेक्शन में पीएफजी है क्या भाई, पीएफजी नहीं है, जीरो। मल्टीपल बॉन्ड है क्या, बिल्कुल मल्टीपल बॉन्ड है, कितना दो, तीन नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड तीन नहीं है, दो है। जो हमारे सिलेक्शन में मल्टीपल बॉन्ड आएगा उसी को हम लोग काउंट करेंगे, जो हमारे सिलेक्शन में नहीं आएगा उसको मल्टीपल बॉन्ड में काउंट होता है, मल्टीपल बॉन्ड वो लेकिन हमारे सिलेक्शन में नहीं है तो हम लोग उसको काउंट अपने पे नहीं करेंगे। तो हमारे पास दो ही मल्टीपल बॉन्ड हैं जो कि हमारे सिलेक्शन में है, ये मल्टीपल बॉन्ड है ध्यान रखो, लेकिन ये हमारे सिलेक्शन में नहीं आया इसलिए इसको हम लोग अपने पास नहीं रखेंगे, अपने काउंट में नहीं रखेंगे। उसके बाद कार्बन, कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो कार्बन कितने हैं, सात कार्बन। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कितना हो जाएगा, एक, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ये बात सभी को क्लियर है। इसमें की पॉइंट क्या रखना है, ध्यान रखना कि अगर तुम्हें ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि मल्टीपल बॉन्ड या पीएफजी बहुत सारे मिल रहे हैं तो फिर क्या करोगे, उधर चले जाओगे जिधर पे मल्टीपल बॉन्ड प्लस मैक्सिमम कार्बन मिले। तो हम यहाँ पे आने के बाद रुके, थोड़ा सा सोचे कि रूल क्या बोलता है कि मल्टीपल बॉन्ड और फिर मैक्सिमम कार्बन लो, तो इधर पे हमें दो कार्बन और मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा था जबकि इधर पे हमें तीन कार्बन और मल्टीपल बॉन्ड, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया और इधर चले गए। अरे बोलो क्या सभी को ये क्लियर है, अरे यस या नो, सभी को ये क्लियर है, चलो जल्दी से सभी लोग बता दें ये सभी को क्लियर है क्या, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगला एग्जाम्पल सातवां, सेवंथ नंबर एग्जाम्पल, अब देखो इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है वो देखते हैं। तो ध्यान देना, हमने क्या बोला था तुम्हें, हमने क्या बोला था तुम्हें कि हमारा रूल बोलता है कि हमें क्या मिल जाए पहले, पीएफजी, क्या मिल जाए पीएफजी, हमें क्या मिल जाए पीएफजी, तो हमें पहले क्या चाहिए पीएफजी। तो देखो ओएच क्या है, पीएफजी है, क्या है पीएफजी है, तो PFG हमें मिल रहा है। फिर हमें क्या चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड, हमें क्या चाहिए मल्टीपल बॉन्ड। फिर उसके बाद क्या चाहिए, कार्बन, हमें पहले कार्बन नहीं चाहिए ना, तो हमें पहले मल्टीपल बॉन्ड, हमें पहले क्या चाहिए PFG, क्या चाहिए PFG। तो पहले हमें PFG मिल जाए तो मज़ा आ जाए, तो हम लोग पहले PFG को लेंगे, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, फिर लास्ट में चलेंगे कार्बन। तो देखना इस बार मैं सिलेक्शन में क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो गया। तो हमने क्या बोला तुम्हें, हमने क्या बोला तुम्हें, हमने बोला, हमने हमने बोला कि हमको क्या क्या मिल जाए पीएफजी, तो पीएफजी मिल गया, मल्टीपल बॉन्ड तो मल्टीपल बॉन्ड। अब देखोगे तो यहाँ से जाने के बाद यहाँ से हमें दो रास्ते मिलते हैं, या इधर चले जाओ या इधर चले जाओ। तो हमें रूल क्या बोलता है कि अगर पीएफजी के बाद मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है तो लेंगे, मल्टीपल बॉन्ड लेंगे। तो फिर बोलोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं लिए थे मल्टीपल बॉन्ड, तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, क्या मल्टीपल बॉन्ड प्लस मैक्सिमम कार्बन, यहाँ पे हमें मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम कार्बन, तो इधर पे जाओगे तो कार्बन उतना ही मिलेगा लेकिन मल्टीपल बॉन्ड नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जाओगे तो एक कार्बन मिलेगा लेकिन मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा, इसलिए इधर नहीं जाएंगे इधर आ जाएंगे। तो हमारा सिलेक्शन ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो पीएफजी कितना होगा, पीएफजी एक है, कौन एल्कोहल, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड कितने हैं, तो एक ये और एक ये, और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच कार्बन कितने हैं, पाँच। सब्स्टिट्यूएंट दो हैं भाई, सभी को दिख रहा है, एक इधर और एक उधर, ये है एथिल इधर है मेथिल, तो सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, दो। ये बात सभी को क्लियर हो गई क्या, ये सभी को समझ आ गया। चलो तो अगला एग्जांपल ले लेते हैं, अगला एग्जांपल एट नंबर, चलो तो अब इसमें हमें क्या करना है, सिलेक्शन, हमें क्या करना है सिलेक्शन। तो हमारा रूल क्या बोलता है कि हमें मैक्सिमम क्या मिल जाए पीएफजी, क्या मिल जाए मैक्सिमम पीएफजी। तो हमें मैक्सिमम अगर पीएफजी चाहिए
तो हमें मैक्सिमम पीएफजी चाहिए, तो देखोगे कि इसमें पीएफजी नहीं है, तो फिर क्या दूसरा आगे स्टेप पे जाएंगे, हमें मैक्सिमम क्या मिल जाए, मल्टीपल बॉन्ड, क्या मिल जाए, मल्टीपल बॉन्ड, फिर क्या मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम कार्बन। तो देखना देखना, अगर मैं यहां से चलता हूं, इधर से ये वाला या ये वाला या ये वाला, तो हमें मल्टीपल बॉन्ड तो मिलेगा, लेकिन 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 तुम देखोगे अगर ये चेन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ या ये चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो दिक्कत ये है कि अगर इस मल्टीपल बॉन्ड को सेलेक्ट करेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ये बुरा मान जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है भाई, इसको क्यों सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, क्या ये तुम्हें ज़्यादा कार्बन दे देगा भाई? अगर तुम सोच रहे हो कि इस चेन को सर सेलेक्ट कर दो और इसको सब्स्टिट्यूएंट ले लो, तो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आना चाहिए कि इसको क्यों छोड़ दे रहे हैं, या इसको सेलेक्ट करें तो इसको क्यों छोड़ रहे हैं भाई, सभी को लेना होगा। तो अगर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड को लेना जरूरी है, छोड़ेंगे तभी जब कंडीशन ऐसी आ जाए कि छोड़ना पड़ जाए। जैसे इसमें देखोगे सिक्स नंबर एग्जाम्पल में, तो हमारे पास ऐसी कंडीशन आ गई थी कि हमारे पास छोड़ने का ऑप्शन था, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं तो फिर ये छूट जाएगा। तो रूल क्या बोल दिया कि मल्टीपल बॉन्ड के साथ अब मैक्सिमम कार्बन ले लो, तो हमें यार रूल अभी भी है कि मल्टीपल बॉन्ड और कार्बन ले लो। तो देखना अगर इसको लोगे तो ये मल्टीपल बॉन्ड छूट जाएगा, और अगर इस चेन को लोगे तो ये मल्टीपल बॉन्ड छूट जाएगा। तो ऐसा करें कि दोनों मल्टीपल बॉन्ड आ जाएं, तो क्या आप बताओ ये मैं सिलेक्शन कर सकता हूं क्या, ये सिलेक्शन मैं कर सकता हूं। अच्छा, इसके बाद इधर क्यों नहीं जाएंगे, ध्यान रखो इधर क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ये छूट जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं इधर जाऊँ या तो मैं इधर जाऊँ। हमारे पास यहाँ पे आने के बाद दो रास्ते हैं, या तो मैं इधर चला जाऊँ या इधर चला जाऊँ। देखो अब अगर इधर जाएंगे तो एक दो दो कार्बन मिलेगा, इधर भी जाएंगे तो एक दो दो कार्बन मिलेगा, दोनों ही साइड दो कार्बन मिल रहे हैं। लेकिन हमारा रूल बोलता है, हमारा रूल बोलता है कि अगर दोनों साइड सेम सेम कार्बन मिल रहे हैं, तो पहले तो मल्टीपल बॉन्ड लो, फिर उसके बाद कार्बन लो। तो हमें पहले क्या चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड। इधर पे जाएंगे तो कोई मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा क्या, नहीं, लेकिन इधर जाएंगे तो मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा और कार्बन भी मिलेगा। सपोज करो कि अगर ये मैं मिटा दूं, ये ना होता, यहाँ पे ये कार्बन नहीं होता, अगर यहाँ पे ये कार्बन नहीं होता, सिर्फ इतना होता, तो भी मैं इधर ही जाता। ये रूल देखो ना, मैं क्या इधर चला गया था क्या, नहीं, क्या मैं इधर चला गया था क्या, नहीं। जबकि देखोगे तो यहाँ पे इधर एक कार्बन मिलता है, इधर दो कार्बन मिल रहा है, लेकिन मैं इधर नहीं जाऊँगा या इधर नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है, तो हम मल्टीपल बॉन्ड को छोड़ करके ज़्यादा कार्बन की ओर नहीं जाएंगे। तब जाएंगे जब मल्टीपल बॉन्ड प्लस ज़्यादा कार्बन दोनों एक साथ मिल जाए, जैसा कि रूल नंबर 6 या एग्जाम्पल नंबर 6 में मैंने बताया था। तो अब यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये ऐसे था। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से इधर चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि इधर पे हमको क्या मिलेगा, ज़्यादा कार्बन मिलेगा प्लस मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा। कार्बन तो इधर भी ज़्यादा मिल रहा था, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड नहीं मिल रहा था ना, इधर पे मल्टीपल बॉन्ड नहीं मिल रहा था। तो अब हमें क्या क्या मिल गया, पीएफजी भाई एक भी नहीं है, जीरो। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड कितने हैं, दो। यहाँ पे कार्बन कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः, तो कार्बन कितने हैं, छः। और उसके बाद अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट पूछे तो सब्स्टिट्यूएंट दो हैं, एक ये और एक ये, दोनों ही क्या हैं, एथिल। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है, चलो जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से जिनको नोट करना है वो नोट कर ले, और उसके बाद आगे चलते हैं जल्दी।